الحمد لله الذي لا معبود ولا مسجود ولا موجود إلا هو والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الذي اصطفى بمحبته وبكرمه وبلطفه وبنعمه لا محبوب إلا هو وعلى آله وأصحابه الذين قال الله في شأنهم ويطهركم تطهيرا ورضي الله عنهم ورضوا لا مسجود الا هو اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بابا جی بلند درود و سلام गुज़श्ता जिस दिन मैं यहाँ नशिस्त में आया था उसमें मैंने दरूद व सलाम के हवाले ज़बानी दिए थे, आज किताबें साथ लेके आया। ये मेरे पास है कुलियात इमदादिया मौलाना थानवी साहब, ये उनके पीर व मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की अलैह रहमा, ये उनकी तसनीफ है, फैसला हफ मसला रिसाला है, सफ़र नंबर 84 है। आप फरमाते हैं कि अस्सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कहने में कोई मुज़ायका नहीं है। और इसी के साथ साथ यही आजी साहब इसी किताब के सफ़र नंबर 61 ये हवाला दे रहा हूँ, आप में से कोई भी साथी दूर ना जाएंगे, राजा बाजार चले जाएं, वहां से कहें जी कुलियात इमदादिया दे दें और वहां से मोर लगवा के ले आए कि वाकई हाजी साहब की है और हाजी साहब के बारे में पूछ लें कि ये कौन है, तो आपको अगर दूर क्यों जाएंगे, ये मेरे पास किताबें सारी मौजूद हैं कि ये देवबंद हजरात के पीरो मुर्शिद हैं। तो ये कहते हैं कि अगर हुजूर की ज्यारत करना चाहो तो सरकार की सूरत मिसालिया को तसव्वुर करो, और वो सूरत कैसी होनी चाहिए, सफेद शिफाफ कपड़े, सबज पगड़ी। क्या बोला, ये दर्जा ना देखिए सफा नंबर 81 सॉरी, सबज पगड़ी, मुनव्वर चेहरे के साथ तसव्वुर करो, और अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह दाईं तरफ, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह बाईं तरफ, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह की जरब दिल पर लगाओ, मुतवातर जिस कदर हो सके दरूद शरीफ पढ़े, इसके बाद ताक अदद में आगे दरूद पढ़े, और आगे पूरा तरीका बताया, सोते में ये जागते में नबी की ज्यारत नसीब हो जाएगी।
और इसी तरह इमदादुल मुश्ताक पेज नंबर इसका 49 है। ये वाजे तौर पर कोई भी मेरा दोस्त किताब, हम वो तो नहीं कि किताब चेक करने के लिए भी चक्कर लगाने पड़े किसी वक्त भी, और ये वो किताबें जो आम मार्केट में अवेलेबल है। किताब इमदादुल मुश्ताक मौलाना थानवी साहब, इसके ऊपर ये वाजे लिखा है सफा नंबर 49 के, फरमाया अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, खिताब के सीगे से दुरूद व सलाम पढ़ने में कोई हरज नहीं है। इसके अलावा ये फतावा फरीदिया की तीसरी जिल्द है, मुफ्ती फरीद साहब दारुल उलूम अकोड़ा कटक, उसके ये मुफ्ती हैं, वहां उन्होंने ये चार जिल्दों पर मुश्तमिल ये फतावा फरीदिया, जिसके ऊपर ये वाजे तौर पर आप लोग देख सकते हैं, और मैं वीडियो वाले से कहूंगा कि आप थोड़ा एक्टिव हों और इन चीजों को जरा वो क्लोज करके दिखाएं। ये वाजे तौर पर आपको नजर आ रहा है फतावा देवबंद पाकिस्तान, ये नजर आ रहा है सबको। इसके अंदर इनसे सवाल हुआ कि हजरत क्या हुजूर के रोजे के पास जाकर अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना जायज, किधर जाकर? वो कहते हैं तू रोजे की बात कर रहा है। और फिर अगला सवाल हुआ कि ये जो सीखे हैं सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ये कहां से साबित हैं? तो जवाब देते हैं ये सीखे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से साबित हैं, अब्दुल्ला बिन उमर से साबित हैं, और दूर से पढ़ने की जायज है तो करीब से पढ़ने की तो हरज ही कोई नहीं है यार। और इसके अलावा मैं आपको पहले उस दिन अर्ज कर चुका कि 141 हवाले इस फकीर के पास मौजूद हैं, और ये जिनमें से आज मैं दिन को गिन रहा था 54 हवाले देवबंदियों की किताबों के। कितने हवाले? 54 हवाले। यहाँ पर ये मेरे पास औरादे फतहिया है, औरादे फतहिया ये वो वजीफा है कि जो सरकार ने शाह वलीउल्लाह साहब वाले इंतबाह के सफा 141 के ऊपर लिख दें कि ये वजीफा खुद नबी पाक ने हजरत सैयद अली अमदानी को, ये 786 इनका सने विसाल है। कितना बोलो? 786। खुद रसूलुल्लाह ने सैयद अली अमदानी को ये वजीफा पढ़ने का हुक्म दिया, और शाह वलीउल्लाह कहते हैं मैं भी ये वजीफा पढ़ता हूं। और आप लोग ये बिल्कुल देख सकते हो वाजे तौर पर ये लिखा हुआ है 18 सीखों के साथ, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खलीलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खैरा खल्किल्लाह, या मन इख्तारहुल्लाह, या मन अरसलहुल्लाह, या मन ज़य्यनहुल्लाह, या मन शर्रफहुल्लाह। और यही मौलाना ज़करिया साहब, इनकी किताब फ़ज़ाइले दरूद शरीफ उसका सफा नंबर 24 है, आप लिखते हैं कि हर जगह यूं पढ़ा करो अस्सलातो वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। ये हवाले इसलिए दे रहा हूं कि सच नजर आ जाता है, और मैं अभी तकरीर शुरू नहीं कर रहा, मैं इंतजामिया के दोस्तों से बड़ा वावेला मचा हुआ है। अभी तो कुरैशी साहब की एक तकरीर हुई है, अच्छा है थोड़ा और शोर डालो। पिछली दफा इश्तियाक साहब बंदे हमारे माशाल्लाह बहुत थे, पर इतना रश नहीं था, थोड़ा और कोशिश करो, अल्लाह करेगा अगली दफा गलियों में भी बंदे ही बंदे होंगे। और बात यह है इंतजामिया के दोस्त जो आए हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, लेकिन मैं अर्ज करता चलूं कि इलाके की आवाम गवाह है, पूरे पिंडी के स्पीकर बंद रहे जुम्मे के मौका पर, मौलवी साहब का स्पीकर बंद नहीं हुआ, और जब कोई कहता तो जुम्मे की तकरीरों में कहते राजा ये आरे बाजार का थाना हमारी लोंडी है। जब कभी कहा जाता कि यार ये क्या कर रहे हो, कहता हूं पुलिस वालों को मुकमुका कर लेते हैं। मैं पूछता हूं थाना आरे बाजार वालों, बताओ मौलवी से कितना लेते रहे, उससे डबल हमसे ले लो, और जो अहले सुन्नत की ये दिल आजारी की जा रही है स्पीकरों पर उसको पाबंद करो। क्या आप इस बात के मेरे साथ तायद करते हैं कि नहीं करते हैं? और फिर आगे और सुनते चलो, आज इतना अरसा हुआ इस स्टेज पर हुजूर अकरम के सहाबा के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में ज़बानें खोली गई, हजरत अली मुर्तज़ा की शख्सियत पर तनकीद की गई, जितने अल्लाह के वली थे उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई, और उसके बाद शख्सियात की तरफ आकर मुझे नामिनेट करके यहां पर चैलेंज आगे गए, लेकिन ना किसी इंतजामिया ने स्पीकरों को बंद करवाया और ना ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उसके बाद
फिर सिलसिला यूं ही अकायद अहले सुन्नत को छेड़ने का चलता रहा। कभी कहा जाता कि ये तौबे खोर है, कभी कहा जाता कि ये यारवी हराम है, कभी कहा जाता कि महादल्ला ये मुशरिक है, सिलसिला चलता रहा। लेकिन चूंकि हमारे बुजुर्गों की तरबियत अमन की है, मोहब्बत की है, हम लोग ये सिलसिला बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जिस वक्त इंतहा हो गई, मेरे मुस्तफा करीम के एक आशिक इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के बारे में ऐसे गलत अकीदों और नजरियात को मंसूर किया गया कि जो किसी मुशरिक और काफिर का अकीदा भी नहीं है, और ऐसे अकीदों को हमारा अकीदा बताया गया। आप लोग इलाके वाले गवाह हो, फिर भी मैं यहां पर आकर मैंने कुरान और हदीस के हवाले देकर सिर्फ सहाबा का अकीदा बयान किया, किसी की तनकीद नहीं की, सिर्फ दावत फिक्र देने के लिए मैंने किताबों के हवाले दिए, और वो किताबें आज मैं साथ लेके आया हूं। मैंने किताबों के हवाले दिए और साथ आप लोग गवाह हैं। मैंने कहा था ये इसलिए कह रहे हैं कि आज के बाद ये तशद्दुद छोड़ दो। और जिस वक्त कहा गया कि मैं सीपीओ रावलपिंडी राव साहब से मुखातिब हूं, लिखने वालों लिखो, इन्होंने मौलवियों ने कहा सीपीओ हमारा अपना बंदा है, वो जो हम कहेंगे वो करेगा। आज इतने बड़े इज्तम के अंदर मैं ऐलान करके कहता हूं, अगर रावलपिंडी की इंतजामिया मसलक अहले सुन्नत के हवाले से सुनियों को दबाने के लिए फरीक बनेगी तो फिर मरी रोड पे दमा दम मस्कर होगा। और ये सुनकर नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला होगा। क्या हमें सीपीओ साहब की धमकियां दी जा रही हैं कि सीपीओ हमारा अपना बंदा है? मैं तो ये समझता हूं कि इंतजामिया किसी की तरफदारी नहीं कर सकती, इसलिए हकायक व शवाहिद सामने है। अगर हमारी तरफ से पहल है तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं सीपीओ साहब से मुखातिब हूँ, कहां थी आपकी वो इंतजामिया, कहां थी आपकी एजेंसियां, कहां थी आपकी इंटेलिजेंस कि जब मुसलमानों को गालियां दी गई, हमें कुत्ता कुत्ता कहा गया, खंजीर खंजीर कहा गया, उस वक्त तुम्हारा किधर था कानून, किधर था तुम्हारा कानून? जिस वक्त अहले सुन्नत को ललकारा गया, किधर था कानून, किधर थी उस वक्त तुम्हारी इंतजामिया, किधर था थाना अरे बाजार का वो लोग, किधर थे? पर्चा क्यों नहीं हुआ, तहकीक क्यों नहीं हुई, रुकावट क्यों नहीं हुई? बात यह है कि कराची में लोगों ने डाकुओं को खुद जलाना शुरू किया। अखबार वालों ने पूछा क्यों करते हो, उन्होंने कहा जब इनको पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस मुकमका करके छोड़ देती है, और अगर चालान पेश भी करे तो उस वक्त वो इतना नाकस चालान पेश करती है, वो महीने बाद फिर आ जाते हैं, फिर हमें लूटना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम खुद आ गए कि अपना हक खुद लेंगे, अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हम देखते रहे कि इतने अरसे से पूरी पिंडी के स्पीकर बंद, मौलवी का स्पीकर खुला रहा, क्यों? क्यों यहां स्टेजों पे कहा गया सीपीओ हमारा बंदा है? मैं बिल्कुल कहता हूं, अगर राव इकबाल साहब अगर आप है तो आपसे ऊपर भी कोई लोग हैं, और अगर ये बात है तो मैं ऐलान करता हूं मरी रोड पे एहतजाज करेंगे, और हम वजीर आला हाउस तक जाएंगे कि यहां के ये लोग ये ऐसा करते हैं, और अगर नहीं तो फिर आपके नाम को गलत इस्तेमाल किया गया, इसकी तहकीक करें, इसकी तहकीक करें, इसकी तहकीक करें। ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें धमकियां दी गई, हम वही है जो लाल मस्जिद वाले, हम वही है जिन्होंने फौज की नाक में चन्नो नाक फौज को चन्ना को चन्ने चबवा रहे हैं। हम ऐलान स्पीकर पे जुम्मे वाले दिन कहा गया हम तालिबान है। मैं पूछता हूं सीपीओ साहब, आर्मी उधर लगी हुई है, लोग खुद जुम्मे पे एतराफ कर रहे कि हम हैं, ख्याल करें कहीं इधर भी दूसरी लाल मस्जिद ना बने, लिहाजा भी से कंट्रोल करें। किधर है आपकी एजेंसियां? वो नहीं लिख सकती कि बंदा ऐलान करके कहते हैं मैं तालिबान हूं? क्यों नहीं आप हरकत में आता आपका कानून? मुझे बड़े आज फोन है, बड़ी थ्रेडिंग दी गई कि आप रुक जाओ। मैंने कहा आज पर्चा नहीं, अगर मेरी जान भी जाए अकीदे अहले सुन्नत को सच साबित करके आऊंगा। जितने लिखने वाले मुझे मालूम है, इस वक्त MI मौजूद है, इंटेलिजेंस सारी मुझे मालूम है क्या मौजूद है। मैं कहता हूं तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें कसम देता हूं मदीने वाले की, अल्लाह के नाम की कसम जरूर लिखो, लेकिन झूठ नहीं लिखना, जो मैं कह रहा हूं सच लिखना है। मैं कह रहा हूं आज की हमारी ये तकरीब और ये जलसा जवाबी जलसा है। Yes.
इसको आप नो कह सकते हैं? क्योंकि जैसा सवाल वैसा जवाब। तो जिस वक्त हमें ललकारा गया कि तुम्हारे अहमद रजा ने ये लिखा है और साथ जाकर वो सीपीओ साहब को ब्लैकमेल करने के लिए वो चले गए कि जाकर हम ये कर रहे हैं। बात ये है कि जो मौलवी सीपीओ साहब आपकी तरह के लिए अर्जे, जो मौलवी आपके पास दरखास्त लेकर गए वही मौलवी यहां चैलेंज करके गए थे। और ये लिखे एजेंसियां लिखे, ये मामला छोटा सा ना समझे। अगर हमें यूं है सुन भाई वो जलसा करें तो करें, हमने कभी अपने लोगों को बल्कि हम कोशिश करते हैं यार खामोशी से सुनो, हमने सिर्फ पुरअमन बात की तो हमारे खिलाफ यूं प्रोपेगेंडा शुरू हो गए। मैं कहता हूं एक दफा और करो, अल्लाह करेगा ये ऊपर वाली छा तो सारी गलियां भी भरी नहीं होंगी। हम तो चाहते हैं कि कोई इस तरह हो और पता चले कि अहले सुन्नत के अकीदे और दूसरों के अकीदे क्या हैं। मैंने पहले कहा एजेंसी वाले नोट करो, आज मैं जो बातें कर रहा हूं वो सवालों के और रह गई बात के कहां है। अगर प्रोग्राम खत्म होने के बाद एजेंसी के लोगों को वो कैसेट्स चाहिए हो जो ये सवाल जवाब मैं दे रहा हूं, कैसेटें चाहिए हो वो हमारे पास मौजूद है रिकॉर्डिंग, उसको सुन सकते हैं और फिर आप फैसला करें कि हम हक पर हैं, हम मुतशद्दिद, हम वहम बदम नहीं फैलाने वाले या दूसरे लोग बदम नहीं फैलाने वाले हैं। दरूद शरीफ पढ़िए। बात यह है कि अभी सुन्नी माशाल्लाह जिंदा है, अभी इमाम अहले सुन्नत इमाम हजरता के चाहने वाले जिंदा हैं। हम जब तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में कोई लूज टॉकिंग नहीं करते तो फिर तुमने कुत्ता कुत्ता और इस तरह के अल्फाज भी तुमने कहे कि तुम मदीने वाले के कुत्ते हो। ओए बोलो ये इलाके वालों रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, क्या ऐसा पूरी इस टेंच के इलाके ने स्पीकर के सुना कि अहमद रजा कहते हैं कि हम मदीने वाले के कुत्ते हैं? मैंने कहा हम मदीने वाले के हैं, कलंडर के नहीं, हम मदीने वाले के हैं, इंदिरा गांधी के नहीं, हम वो नहीं के ऊपर साड़ी वाली और नीचे दाढ़ी वाले बैठे हों। और आज इंकशाफ कर रहा हूं 7 साल जश्न की इंदिरा गांधी की तकरीर की कैसेट फकीर के पास मौजूद है। हाँ जी तवज्जो कीजिए, अगर यही बात है तो मैं अभी तहकीकी जवाब दे रहा हूं, जरा हवाला जरा जहन में रखिए। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने कहा है कि जी मैं मदीने वाले का कुत्ता हूं, हमें फखर है। अरे काश हमें वो इस निस्बत से भी कबूल कर ले, हमें तो ये भी बड़ा। और ये कहकर उसने कहा कि ये कुत्ते इनको मस्जिदों से निकाल दो क्योंकि मस्जिदों में कुत्तों का काम नहीं। अरे पागल शायद तुझे ये पता नहीं असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। बेकाफ का कुत्ता जन्नत में जाए, रब जन्नत से नहीं निकाल सकता, तू मदीने वाले के कुत्तों को मस्जिद से कैसे निकाल सकता है? इस हवाले से तवज्जो करना। तवज्जो कीजिए, अगर इमाम अहले सुन्नत अपने आप को अपना आप को मदीने वाले का कुत्ता वाक कहता है और कहने पर निशाना बनाते हो तो क्या कहोगे जामी को? जामी कहते हैं सगत का दे के आमद पर जबानत गाहे गाहे या रसूल अल्लाह ए मदीने वाले काश आपका कोई कुत्ता हो उसका नाम जामी हो, आप कुत्ते को बुलाएं इसी बहाने जामी का नाम आपकी जबान पर जिसकी शरा जामी पढ़ के तुम मौलवी बनते हो, ये वो जामी है और जिसकी शवाहिद नबुव्वत के तुम तारीख की बात को समझते हो, ये वो जामी है। अल्लाह अल्लाह आगे बढ़ो। इसी तरह जामी कहते हैं निस्बत खुद बसगत कर दम व बस मुनफरिदम साके निस्बत बगुए तो शुद्ध पे कहूं आपको अपने आप को आपकी
की गलियों का कुत्ता कहूं, सरकार ये निस्बत भी आपकी गलियों की बेअदबी है। हाय हाय, हम बुजुर्गों के अकीदे वाले हैं, हमारा बेअदबी वाला अकीदा नहीं है। मैं आज जवाब दे रहा हूं, और अगर इस पे किसी को एतराज है तो जाए जहन्नम में, जो जिसने करना है कर ले। क्या जब पहले सवाल करो तो फिर जवाब भी ना दूं? लेकिन आओ जनाब, मैं एक चीज और बताता हूँ। फजाइले दुरूद शरीफ सफा नंबर 126, फजाइले दुरूद शरीफ सफा नंबर 126, ये कासिम ननौतवी साहब बानी दारुल देवबंद का कसीदा मौलवी ज़करिया साहब नकल करते हैं। कहते हैं कि कासिम ननौतवी साहब लिखते हैं, तेरी जाओ खौफ की मौजों में ये लिखते हैं, ये किताब का नाम है मलफूजाते की मुलुम्मत, इसका नाम ऊपर लिखे फजाते योमिया, अशरफ अली थानवी साहब, ये नजर आ रहे हैं अशरफ अली थानवी साहब, कहते हैं मुझको अपनी किसी बात और किसी काम और किसी हालत पर नाज नहीं, और नाज तो किस चिड़िया का नाम है, मैं तो वाकई अपने आप को कुत्ते और खंजीर से भी बदतर समझता हूँ। अगर है कोई तो सामने आ जाए, खुद पढ़े कच्छा तले छुपा के ले जाऊं, हम तो ये किताबें दिखा रहे हैं। हजरत साहब, किसी के खिलाफ जबान खोलते हुए जरा घर की खबर भी लेनी चाहिए, बुजुर्गों ने क्या क्या लिखा है। ये तो फकीर अभी थोड़ी सी चीजें बयान कर रहा है, वगरना सैकड़ों वाले फकीर के रजिस्टर की जीनत बने हुए हैं। अच्छा, ये एक नहीं, दो दो रजिस्टर मेरे पास रखे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये बता रहा हूं कि अब यही लफ्ज कहकर मैं आका जी अशरफ अली थानवी खंजीरा को लभी परे गए, और खुद इन्होंने कटो बात भाई, बात ये बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, यही किताब मैं दिखा रहा हूं, और ये कहते हैं आला हजरत ने तो अपने आप को मदीने वाले का कुत्ता कहा। इन्होंने वो भी नहीं कहा, इन्होंने कहा मैं इंडिया के खंजीरों से भी बदतर हूं, इन्होंने कहा मैं कमाद में फिरने वाले खंजीरों से भी बदतर हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, यही किताब अगर मैं सामने रखकर ये कहूं कि ये सारे खंजीर की है, इनको निकाल लो खंजीर का मस्जिद में क्या काम, तो सोने दुख होगा कि नहीं होगा। मैं सवाल पूछता हूं इंतजामिया वालों, जरा गौर करो और उनसे पूछो जाके, दुख होगा या नहीं होगा? अगर कहो के दुख होगा तो फिर जरा दूजे पासे है पुंगल होनी, तो अपने पासे तीन होनी ने अंगूठा एक्स्ट्रा किसी की तरफ, ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे तीन उंगलियां अपनी तरफ, ये अंगूठा स्टैंड बाय, ये अंगूठा स्टैंड बाय, एक उंगली किसी की तरफ, तीन अपनी तरफ, और अंगूठा स्टैंड बाय। अभी तो सिर्फ एक भी काम पूरा नहीं कर रहा हूं मैं,
तो मैं अर्ज कर रहा हूँ सोनिया, ये चीजें आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं चूंकि मुझे बुलाया गया है, मैं थोड़ा सा अकीदे की बात करता हूँ और फिर सवालों के जवाब है। आज कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, सिर्फ सवालों के जवाब है और मैं अपनी तरफ से ज्यादा कोई करता भी नहीं हूँ कि कहीं फिर गया ना कहीं जी सख्त बोल के गया है। हाँ, और मैं बिल्कुल कहता हूँ ये लिखो, गौर से लिखो ये इंतजामिया वाले कि मैंने जवाब दिए। सवाल करने वाले से पूछो तू एडा भेड़े सवाल कीते क्यों, भाई तूने ऐसा सवाल किया क्यों कि जिसके जवाब की वजह से हम सुनो ना सुनिया उधर से बड़े कुद कुद के कहते से हनीफ कुरैशी को मोहल्ले में कोई नहीं जानना, बच्चा सानू ही पता है तू कितने रहना है, मोहल्ले में कोई नहीं जानता, तर आके पता तो कर, फिर नसते क्यों। अल्लाह के करम से हमने जातियात पे कभी नहीं आए और हमारे बुजुर्गों की तरबियत है। मैं आज किबला मुफक्कर इस्लाम के इदारे में और उनके स्टेज पर बोल रहा हूँ और उन्होंने स्पेशल कहा है कि किसी की जातियात को मत छेड़ो, वो किसी जात हो वे बंदा को गल करे, किसी की जातियात को मत छेड़ो। इस हवाले से हम उस तरफ नहीं बात करते वगरना हमारे पास बहुत कुछ है। हाँ, सिर्फ इशारे के लिए कर रहा हूँ, जाके उनको सुनाना जो तकरीरें करके आए थे कि होटलों में कराचियों से फोन करके किसे बुलाते रहे हो, बस इतना सिर्फ इतना सुना देना किसको बुलाते रहे हो। हमें सब नोटिस में, हमारे सब इलम में, लेकिन हम घटिया अंदाजे गुफ्तगू हमारा कभी नहीं रहा। हमारे बुजुर्गों का तरबियत है, अकीदा सच्चा हो ना तो बंदे को परेशानी नहीं होती। हमने तो कभी किसी तौर पर हमने तुम साल साल हो गए तुम अकीदा अहले सुन्नत को जो ना चैलेंज करते हो कि है इनमें है ही कोई नहीं, यहां भी कहा कि है ही कोई नहीं इनमें, वो एक इनका रखा हुआ है। अजाते जनाब शेर अहले सुन्नत मौलाना असद साहब, ज़हूर ना 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 ए ज़हूर अहमद असद, अजा उन्हें सिर्फ अपना हल्का जे टच लाई एंड करने में इधर इशारी मेरे कोल बैठे स्टैंड वाइज। मैं खुद मैंने कहा शाह साहब आप आ जाए, कोई पता नहीं होता मामला का, क्योंकि इंतजामिया जो है ना उस इसके अंदर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मसलक और काज की बात करते हैं। और इंशाल्लाह मैं आज भी मैंने दो तीन एमएलए से मैंने बात की है, मैंने उनको कहा है कि ये लोग आकर स्पीकरों पे कह रहे हैं कि हम सीपीओ राव इकबाल हमारा बंदा है, तो जरा आप इनसे पूछें सीपीओ साहब से, और इंशाल्लाह हम भी इन करीब सीपीओ साहब से खुद पूछेंगे कि हुजूर वाला बताइए कि आप क्या देवबंदियों के नुमाइंदे बन के यहाँ आए या पुलिस के हेड बन के यहाँ आए। अगर आप देवबंदियों के नुमाइंदे बन के आए तो फिर माजरत के साथ, हाँ जरा फिर अगर वो बात है तो हम भी फिर घोड़े वाले के मरीज हैं, उधर से निस्बतें, और अगर ये बातें तो फिर इतना ख्याल करना कि पंजाब का वज़ीर आला फिर बरेलवी है, आगे भी ख्याल करना, हाँ क्योंकि फिर अगर वो बातें तो फिर वज़ीर आला पंजाब भी बरेलवी है, वो भी या दादा साहब के आस्थाने पे सुबह शाम हाजरियां देने वाला बंदा है, तो फिर ये भी जरा ख्याल कर लेना। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तवज्जो से प्यार से जरा सुनते जाइए। दरुशरी पढ़े में थोड़ा सा बात करने लगा, अस्सलाम तिलावत की है, थोड़ा सा सुनियों को अपने डोज भी तो देखना नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जलसा उस वक्त तक लगता ही नहीं जब तक मेरे मदीने वाले की शान बयान ना हो। मेरा अल्लाह फरमाते हैं कुल ओ मेरे सोने मदनी महबूब, तू बोल तू अपने लब खोल, तू अपनी ज़बानी मौजज़ बयान से बोल, लब तेरे होंगे कलाम मेरा होगा। और ये मैं नहीं कहता, मेरा रब कहता है कोई ना तोले, ओए ओ दे रुतबे
को जना ना उसे किसी ने जना वनम ये कुल्लहू कुफ बनना हर उसकी हमसरी बराबरी करने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। अपना सुनियो अपना कीदा दोहराओ इबादत के लायक तो ईद बयान करो फर्क भी पता चल जाएगा रहमानी तो ईद और शैतानी तो ईद। इबादत के लायक कौन कायनात का पालनहार कौन मालिक और मुख्तार कौन राज़िक और जब्बार कौन कलीम और समी और बसीर अलीम और खबीर कौन अली और मुत्तहद और बसीर कौन। यार से बोलो यार जिंदगी का आगाज फरमाया वो अल्लाह है उस पानी के कतरे को सांप के मुंह में ले जाए तो जहर बना देता है वही पानी का कतरा अगर बकरी के पेट में जाए तो दूध बन जाता है वही पानी का कतरा अगर आम की जड़ों से होता हुआ उसके फल में पहुंचे तो वो रस बन जाता है वही कतरा अगर गुलाब की पंखड़ी में चला जाए तो हरके गुलाब बन जाता है वही कतरा अगर किसी की आंख में जाए तो आंसू। प्यार से यार प्यार से एक कतरे को वो अल्लाह कितने कालबों में ढालकर कितनी कारीगरी दिखाता है बेरंग को रंग देने वाला बेवजूद को वजूद बख्शने वाला आदम से वजूद में मुंतकिल करने वाला अर्श का मालिक अल्लाह फर्श का मालिक अल्लाह दोह का मालिक अल्लाह सारी कायनात का मालिक हो मुख्तार पालनहार अल्लाह वो बड़ी कुव्वत वाला है वो चाहे तो चींटी की आवाज सुलेमान को सुना देता है वो जब चाहता है तो मदीने की आवाज उमर का गुलाम सुनाता है अल्लाह वही अजमत वाला अल्लाह अगर किसी को चाहे तो खुद कह सकता है किसी को दे तो दे सकता है किसी से ले तो ले सकता है किसी को मारे तो मार सकता है किसी को जिंदा करे तो कर सकता है अगर वो किसी मुर्दे में दोबारा रूह डालना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। वो अजमतों वाला जब अपनी तौहीद की बात करने आया तो बीच में नबी को डाल दिया नबी को दरमियान में रखा फरमाया कुल सोनिया तू गए तवज्जो करना है तो यही से नुक्ता कर रहा हूं तौहीद अल्लाह की है तू के अल्लाह के अल्लाह जी खुद कह ना मैं ऐसा और सूरह तौहीद पढ़ो हाँ जी सूरह तौहीद पढ़ो तो सूरह तौहीद कौन सी है बोलिए 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 कौन सी है कुल अल्लाह अहद सूरह तौहीद कुल अल्लाह अहद अल्लाह समद तो तौहीद अल्लाह की अल्लाह एक है अल्लाह खुद के नाम एक हूं नबी को बीच में क्यों डाल रहे हैं कहा ताकि क़यामत तक आने वाले सच्चे तौहीदियों को पता चले मुझे वो तौहीद कबूल है जो नबी को दरमियान में रख के मेरी तौहीद बयान की जाए अगर नबी को क्रॉस करके डायरेक्ट वाली तौहीद कोई लेके आया वो शैतान वाली होगी मौत पे मारूंगा। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं एक आज इतनी बड़ी बात करने लगा हूं लेकिन दलील है ना होए करना किसी की हिम्मत है इल्मी तौर पे रद्द करो ना यतीमी क्या करें हम इल्मी जुतम और यतीमी हो ना तो फिर इस तरह की मामलात होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयद हसीन दीन का शागिर्द है बोलने वाले की निगाह है करम और मौला अली की निगाह है विलायत का सदका है आले बैत अतार और सबसे बड़ी ये रूहानी निस्बतें होती हैं। हाँ ओए शहजादे गौसुल वरा उनके आस्ताने पे हो बंदा तो फिर कुदरती गौस पाक के फैज का करंट भी तो मिल ही जाता है ना। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हाँ वो पत्थर और गालियां वो दें कि जिनके पास दलाइल ना हो।
हमारे पास दलाइल है। तो सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये क्या है? कलमा ना के वे तैयब कलमा तो ही। मैं एक बात करने लगा हूं शाह साहब, मधुर के बला कलमा पढ़ने में अल्लाह पहले, कलमा समझने में नबी पहले। कलमा पढ़ने में अल्लाह पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा समझने में। कैसे? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ये मेरे नबी का दावा है, ये मेरे नबी, अगर इसको बनाओ ना तो फिर ये मेरे नबी की तरफ से ऐलान है, खबर है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तरकीबों के लिए गए तो फिर मैं खुद आज का तरकीब ही पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, सारे जुमले सारी तरकीबें मेरे सामने हैं। और हमें ये भी पता है कि तुम्हारी किताबों में तरकीबों की जो सत्यानाश की गई है वो भी हमारे पास है, जमीर का तस्बीह हुआ है, हमारे पास है सारी चीजें। लेकिन हम क्योंकि तनकीद नहीं करने आए, हम तो अपना जवाब देने आए, इसलिए मैं अपनी तरफ से अपनी नेक्स्ट मजीद चीज को नहीं बयान करूंगा। जो सवाल है ये मैंने कैसेट से नोट किए हुए हैं, इन्हीं के जवाब देना है बस। लेकिन आपको समझा रहा हूं, बाहर इधर एक बंदा आया, चेहरे से पोटरी लग रहा था, समझा रहा हूं, उसने अगर बार तुम्हारा बो गया। आप लोगों ने क्या करना है? अच्छा एक मिनट, उसके जुमले में देखो क्या है, तमाको, बस जुमला दे दे मेरा तमाको। किसी ने ध्यान नहीं दिया, इतने में मौलाना जहूर अहमद असद साहब आए, इन्होंने कहा यार तमाको कितने बदल गए। चिश्ती साहब धमाको हुजूर कितने बंदे मरे, किधर हुए, कैसे हुए, यही गल उस कई सी यही बात उसने कही थी जो तुमने कान में जुए जाए, और यही बात इसने कही, इन्होंने कही कितने बंदे। आप पूरी ताकीद में पढ़ गए, पता चला खबर से पहले मुखबिर को देखा जाता है, नमाज पढ़ी ना पढ़ी। अच्छा आपने खुद सुनी थी अल्लाह की आवाज, किसने कहा आपको अल्लाह कहते नमाज पढ़ो? अल्लाह जी हम निकम्मे लोग हैं, हम इस काबिल कहां के तू हमसे डायरेक्ट बात करे, हमारे नुमाइंदों से साहबा से कर देता, अबू बकर को तो तू खुद कह देता उठ नमाज पढ़, अली से कह देते नमाज पढ़, दीगर साहबे पैगंबर को होता, लेकिन साहबा ने किसी ने नहीं सुना, नबी ने कहा नमाज पढ़। हाय 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 हाय, हर काम में अल्लाह ने नबी को बीच में रखा, कुरान दिया नबी बीच में था,
क्यों? ताकि कुरान पढ़ के मेंबर में बैठने वाला कहीं डायरेक्ट डेलन के चक्कर में ना हो जाए। ये समझाया कि जब मैं खुदा होकर नबी को छोड़ के तेरी तरफ नहीं आता तो तू बंदा होकर नबी को छोड़ के मेरी तरफ कैसे आ सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वली से मिला اور یزیدوں میں فرق کیا کرو۔ یزیدیت کے کئی روپ ہیں اور میں آپ علماء کا کافی ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، میں حیرانگی تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آل نبی کے بارے میں کوئی بات کرو فتوہ یاد آ جاتا ہے۔ کتھے لکھے ہوئے ازر احمد علیہ السلام کے تو کتھے لکھے ہوئے، نہ کہ بخاری لکھے ہوئے۔ درود و سلام کے حوالے سے چھیڑا تھا فقیر نے رسالہ لکھ مارا، ابھی علیہ السلام کے حوالے سے چھیڑا ہے، 25 حوالے ہو گئے ہیں اور معتبر حوالے اور لکھنا شروع کر دیے۔ میں نے کہا جا بھیا زندگی کا پتہ کو نہیں، کم از کم پیچھے ٹیکے تو لگتے رہنا۔ اور اچھی بات ہے ہم تو کرے بھائی، فقیر جو علی کے ہیں۔ ہاں یہ ماشاءاللہ علی کا نام آپ کو یاد ہوگا نا، نعرہ ہے اور حیران تو یہ ہوں یار میں نے قرآن حدیث کی دلیلیں دی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہمت کرو نا، جواب قرآن اور حدیث سے دو رہے ہیں۔ کیوں نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ نعرہ حیدری اس لیے لگاتے ہیں کہ صحابہ لگاتے تھے، اور حوالہ میں نے ترمذی کا دیا تھا کہ صحابہ خود فرماتے ہیں ما کنا نعرف المنافقین الا ببغضہم علیا، ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں تھا جس سے ہم چیک کرتے مومن کون اور منافق کون ہے۔ علی نے فرمایا تھا اے میرے نبی نے فرماتا ہے اے میرے علی تو مومن اور منافق کے درمیان منافقت کو چیک کرنے کا، ایمان کو چیک کرنے کا آلہ ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جو تو اسے پیار کرے منافق نہیں ہو سکتا، تو اسے بغض جو رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہماری محفل سجی ہوتی، آپ کو نشست میں بتا دیا تھا، حلیے سے تو پتہ نہیں چلتا نا، نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر نکل کے کہتے تھے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس طرح پتہ نہیں چلتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں تو ہم نے ایک طریقہ رکھا ہوا تھا، ہماری محفل میں ہوتا یوں جیسے ہی محفل شروع ہونے لگتی کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی المولا، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، قال النبی صلی اللہ، جیسے ہی کوئی کھڑا ہوتا علی مولا کی تعریف شروع کرتا جو منافق ہوتا اس کے چہرے پر بوس پڑنی شروع ہو جاتے، اس کے چہرے پہ جناب وہ دھاریاں پڑنی شروع ہو جاتی، ٹھیک ہے پر ضعیف ہے، اس کے چہرے پہ بگاڑ شروع ہو جاتا، مومنوں کا چہرہ کھلنا شروع ہو جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ چہروں کو دیکھتے رہتے، جس کے چہرے پہ دیکھتے رونق آ گئی کہتے اللہ اور دے بھی، جس کے چہرے پہ دیکھتے رونق آ گئی خوش ہو جاتے اپنے، جس کے چہرے پہ دیکھتے علی کا نام سن کے مرجا
आ गया है। कहते उसको हम पकड़ के पीछे से लगाते कि निकल बाहर। मस्जिदों से नबी के कुत्ते नहीं निकलते, मस्जिदों से नबी के गुस्ताख निकलते हैं। मस्जिदों से मुनाफिक निकलते हैं। मस्जिदों से नबी के बेअदब निकलते हैं। तारीख आपको मैं पिछले एडिशन में बता के गया, मदीने से शुरू हुई पाकिस्तान तक आ गई। मस्जिदों से निकलने की तारीख मदीने से शुरू हुई, इस पर भी फकीर का काम हुआ हुआ है। मैं दिखा सकता हूँ बगदाद से कब निकले, मैं दिखा सकता हूँ अली ने किस किस को निकाला, मैं दिखा सकता हूँ मौला उमर ने किसको निकाला। और ये भी सुन लो, ये तो मिश्कात में मौजूद है। एक आदमी आया ऊंचे ऊंचे बोल रहे हैं, कहा इधर तलवार निकल, किधर से आया? मैं बारो आया बार ना मैं बाल ना इधर आकर बाधे कर रहा तू, तुझे मालूम नहीं अल्लाह का नबी आराम कर रहा है। नबी जिंदा, नबी जिंदा, तुझे मालूम नहीं अल्लाह का नबी आराम कर रहा है। अगर तू होता ना इधर वाला तो तुझे आज मैं सजा देता, तू नबी के आराम में फलना रहे। चल निकल बाहर। सरकार क्यों कड़े ने फरमाया बाल रेंजी कटींदा। हमें मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैंने कोर्स ही सर्जन डॉक्टर का किया हुआ है। तो बात ये कि हर बंदे के, और मेरे तो पूरा एक अरसा गुजर गया है। मैं अगर PhD करना चाहूं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सत सफे और सतरें भी मेरी आंखों के आगे घूम रही होती हैं, जिस सफे और सतर पे तेरे बाबे ने क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है। क्या समझते हो कि हम वैसे हवा में आकर बदलियां मारते हैं? कभी आ नजर, चेक तो कर। मैं दावे और चैलेंज से कहता हूं आप लोगों के सामने, जितने भी सुनियों के अकीदे हैं और तो छोड़ो, इनकी किताबों से साबित ना करूं तो मेरा नाम बदल दो। उंगली तुम उठाओ, एक नहीं बीसियों वाले दूंगा। इल्मे गैब की बात कर रहे थे तो ये जनाब थानवी साहब के पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजन मक्की साहब, वो कहते हैं इमदादुल मुश्ताक, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि नबियों वलियों को गैब नहीं हासिल होता। इमदादुल मुश्ताक 63, पेज नंबर 63, किताब इमदादुल मुश्ताक, ये कह रहे हैं कि फरमाया लोग कहते हैं इल्मे गैब अंबिया औलिया को नहीं होता। मैं कहता हूं अहले हक जिस तरफ नजर करते हैं दरियाफ्त तो इदराके गैबात का, गैबात का इनको होता है। असल में ये इल्मे हक है, असल में ये इल्मे हक है। तू किस स्टेशन से बोल रहे हो? और नबियों को इल्मे गैब तो ये बाबा जी लिख रहे हैं। अगर हम कह नबी गैब जानते हैं तो फतवा है, तो ये बुजुर्गों पे फतवा क्यों नहीं है? ये थानवी साहब पे फतवा क्यों नहीं है? महाराज मैं अर्ज कर रहा हूं कि बात किधर से बड़ी थी, मैं जरा तो फिर तो पीछे बात कर करता हूं। मिंबर पे बैठे हैं मौला। हाँ अच्छा, तो मैं थकी कौम अगर तकलीफ सुनाई बोल रही, तो मेरा अपना मैसेज आप और भी कुछ नहीं लेते, सुभान अल्लाह की सदा भी कंजूसी करो तो फिर तुम जाओ। फिर ऐडा सस्ता सौदा थे, कोई नहीं सुने हैं, इतना सस्ता तो सौदा नहीं है। तुम्हारा जरा बताओ ताकि पता चले बंदे कितने सन ते कैसे सन, कैसे सन, ऐसे भी पता चले। तो मैं कर रहा हूं मौला फारूक आजम बैठे किधर, हुसैन बचपन में मेरे बाप के मेंबर से नीचे होता, हालांकि बच्चे वो अमीर मोमिनीन खलीफे राशिद हैं, खलीफे बरहक हैं। और एक बात और सुन लो, उमर का नाम सुन के मेरे नबी ने फरमाया जिस रात उमर लंगे शैतान, इसलिए आज हमारे पास उमर नहीं है पर नामे उमर तो है ना। अगर हमें शैतान को बताना हो हम उमर के नाम भी लगा लेते हैं। ये समझाता चलूं कि ये अली वाले हैं, ये सहाबा वाले भी हैं। उमर मिंबर पे खड़े हैं, हुसैन नीचे, उधर मेरे
आखिरी नंबर है। आप उतरे चुप करके खड़े हो। हुसैन तू ठीक कहता है, ये बाप तो तेरे मिंबर, ये मिंबर तो तेरे बाप ही का है। मेरा बाप तो बकरियां चराता था, मेरे बाप ने तो मुझे ऊंट चराने पे लगाया था, वो तो मुझे मारता था जब मेरा ऊंट कोई गुम हो जाता, मुझे क्या पता था अल्लाह कौन है। तेरे नाने ने ही तो बताया अल्लाह कौन है, मैंने जो हवाला दिया वो इस सेंस में दिया है, पता चला उमर की तौहीद ये है, अल्लाह का पता चला है मोहम्मद के दरवाजे से चला है, और वही तौहीद सुन्नी की है। हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन नबी को क्रॉस करके नहीं, नबी के वास्ते से, नबी की तालीमात के मुताबिक अल्लाह को मानते हैं। तो फिर क्यों ना कहें कि वली से मिला हूं, वली से मिला हूं, नबी से मिला हूं, नबी से मैं मिलकर से मिला हूं। आज लोगों नौजवानों, आज नौजवानों की जबानों पर इंडिया के गाने जारी होते हैं, ये महाज अल्लाह, ये आज मीडिया का कि नबी का नाम इस नौजवान के कान में ना पड़े, ये नबी के नाम पे मचल ना जाए, इसलिए कि सबसे बड़ी ताकत मुसलमान के पास नबी की मोहब्बत की ताकत है, नबी के अदब की ताकत है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अरे यहां किसी का गाना नहीं गा रहे हम, कोई इंडिया के गाने के बोल नहीं दोहरा रहे, नबी की मोहब्बत का तराना सुना रहे गए। तो मिल मिल के कहो ताकि कल जब बुखारी की रिवायत के मुताबिक कब्र में सवाल के बोल हुजूर के बारे में जिंदगी में क्या कहा करता था, तो उस वक्त तुम कह दो मैं तो ये कहता था कि वली से मिला हूं, नबी से मिला हूं, नबी से मैं मिलकर से मिला हूं, नबी से मैं सफा नंबर 134। हमें तू कहता है मेरे इमाम ने तो वाज़े तौर पर लिखा जो किसी साहबी रसूल का बेअदब है जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। रज़विया की देख उठा के जिल्दों की जिल्दें और किताब रिसालों के रिसाले। सवाल हो गया जनाब, जो आदमी साहबा पर तान व मर्दूद व मलून के साहबा को, वो कौन है? क्या वह सुन्नत से खारिज है? ये लिख लो बिल्कुल वाज़े तौर पर। जवाब देते हैं, जवाब, जो शख्स साहबा में से किसी को काफिर कहे वो मलून है। ऐसे शख्स को इमाम बनाना नाजायज है और अपने इस गुनाह कबीरा से वह सुन्नत से खारिज नहीं होता। यानी कोई साहबा को काफिर कहे वो भी सुनी देता है। सुभान अल्लाह, दसो फिर कौन सेटा ले रहे है, तवज्जो है। और इसी किताब के अंदर वाजे तौर पर 278 नंबर सफा है, रशीद अहमद गंगोही साहब लिखते हैं कि मैं शिया के बारे में काफर उनको नहीं कहता। हम यह फतवे नहीं दे रहे, सिर्फ आपको आपका चेहरा दिखा रहे हैं।
तो ये जो रोजाना फतवे लगते हैं माजल्ला, ये जो आम सुनियों पे भी लगते हैं, और फिर उसके अलावा उन लोग काफर काफर, शिया काफर काफर, तो मैं जो ना माने वो भी काफर। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कम अज कम अपने बुजुर्गों को पढ़ तो लिया करो। और इसी तरह इन्होंने लिखे जो साहबा को गालियां दे वो सिर्फ गुनहगार होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ये फतावा रशीदिया, किसी ने लेना हो मार्केट चला जाए, लो सफा निकाल के देना हमारा काम, अगर ना मिले जो सजा चोर की वो हमारी, और अगर ये भारतें मिले तो फिर जरा उनसे पूछो तुम किस दिन के ठेकेदार हो। नारे तकबीर उनके दादे का नाम है असद अली। क्या कहोगे हुसैन अहमद मदनी के बारे में, उसके दादे का नाम है पीर अली वल्द जहांगीर बख्श। क्या कहोगे तुम अशरफ अली, क्या कहोगे तुम गुलामुल्ला साहब का उस्ताद, ये मेरे पास किताब मौजूद है बुलगतुल हैरान, जिस किताब के अंदर ये किताब मौजूद है, ये गुलामुल्ला साहब का उस्ताद है, ये उन बुजुर्गों उन साहबों की किताब है, उनके बुजुर्गों की। इसके अंदर ये लिखते हैं माजल्ला नबी पाक मैंने ख्वाब में देखा पुल सरात से नीचे गिर रहे थे, मैंने उनको संभाल लिया। जाओ ये भी जाओ, जाओ राजा बाजार से लो किताब, ना हो इसका सवा नंबर 8 है अल मुबशरात रिसाला, ना हो तो जो सजा चोर की वो मेरी। और आपको पता होना चाहिए बिल इत्तेफाक उलमा पुल सिराज जहन्नम के ऊपर है, जिसका माना ये बना माजल्ला हुजूर जहन्नम में गिर रहे थे, मैंने उनको बचा लिया। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं ये नाम लिखा हुआ है मौलाना हुसैन अली। किसी का नाम हुसैन अहमद, किसी का नाम हुसैन अली, किसी का नाम अशरफ अली, किसी का नाम विलायत अली, किसी का नाम पीर अली, किसी का नाम मोहम्मद अली, ऐसे नहीं होने। ये सवालों का ऊंचा बोल सवालों का जवाब दे रहा हूं। अब आगे जो मेरे भाई ने एक चीज को हाईलाइट किया था मैं उसकी तरफ आने लगा हूं। सुम्मा माजल्ला इमाम अहले सुन्नत के बारे में ऐसा गलत अकीदा लिखकर बयान किया गया कि वो कहता है कि बच्चों के साथ ये करना और पेशाब भी किया जा सकता है, अल्लाह पेशाब करता है, और हवाला दिया था किसका, फतावा रिजविया। लेकिन इस फतावा रिजविया के सफात से पहले मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझा दूं। अलजोद अल मुकिल निकालो, किताब अलजोद अल मुकिल, ये महमूद हसन देवबंदी साहब शेखुल हिंद, ये नजर आ रहा है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी साहब, इस किताब के सफा नंबर 41 पार्ट 2 के अंदर लिखा है कि अल्लाह ताला तमाम कबीहात, कबीहात कहते हैं बुरी बातें, वो कर सकता है। ये जिसने देखनी हो ये मेरे पास पड़ी है, देखनी है तो देख ले। ये किताब है यक रोजा, शाह इस्माइल दिल्ली की किताब, इसका पेज नंबर है 217, और ये सीरियल नंबर 217 वैसे आम इस रिसाले का पेज है 17। जिस किताब में ये रिसाला, अब ये अलग भी छप चुका है, इसके अंदर शाह इस्माइल दिल्ली साहब लिखते हैं कि माज अल्लाह झूठ बोलना अल्लाह की कुदरत से खाली नहीं है, खारिज नहीं है। अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है पर बोलता नहीं है, बोल सकता है। और इस पर दलील ये देते हैं कि अगर ये कहो कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता तो फिर इसका मतलब है हम बोल सकते हैं, हम अल्लाह से तगड़े हो गए। ये देख रहे हैं, इसी तरह किताब इज़ाहुल अदिल्ला, इसमें भी ये इब्राहिम ने कातिया में लिखा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। ये इब्राहिम ने कातिया है खलील अहमद सहारनपुरी साहब की, ये तबलीगी जमात के, तबलीगी जमात सादी जमात है, हमें भी पता है हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके बुजुर्गों के कीते तो जरा गौर करो ना। क्या लिखा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, इसके जवाब में अल्लाह
के प्यारे महबूब के प्यारे गुलाम इमाम अहमद रजा ने जवाब दिया और ये लिखते हैं कि चूंकि इन्होंने कहा था ना कि भाई अल्लाह हर कभी बात हर पुट्ठी गल अल्लाह कर सकता है, उसका जवाब दिया फरमाया वो तुहाडा झूठा खुदा होना है। ये नजर आ रहे लिखा हुआ इधर, इसको कैमरा लगाओ, इसको क्लोज करके लिखा हुआ वाहियों के झूठे खुदा। रशी साहब जो हवाला दिखा रहे हैं इसकी फोटो कापियां जैसा खत्म होने के बाद दरवाजे पे आपको मिलेंगी, अगर तौफीक हुई तो उसको 5 रुपया दे देना, जो वैसे ही ये सुनने के लिए आया उसके लिए मुफ्त देंगे और दो दो देंगे। हम भाग जाएं हवाला दिखा के कि आप लोग पीछे पीछे और हवाले वाले आगे आगे। ये तवज्जो फरमाएं इंशाल्लाह। ये किताब है फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 15 सफा नंबर 545। उससे आगे इनके बारे में इमाम अहमद रज़ा कहते हैं ओए तुहाडा खुदा ओ तुहाडा कोई होवेगा जिहड़ा झूठ बोल सकदा है, ठीक है, और वो कोई तुम्हारा झूठा खुदा होगा जो बुरी बातें भी कर सकता है। हमारा खुदा तो वो है जो लम यलिद वलम युलद है, हमारा खुदा तो वो है वमन नस्तक मिन अल्लाह कीला। इस हवाले से आला हजरत इन पे लगा रहे हैं तीर, इनका लगा रहे रगड़ा के वो कोई तुम्हारे झूठे खुदा हैं। फिर कभी याद के अंदर तो झूठ बोलना, गड़बड़ करना, फुफला पेशाब करना, भरना, ये कोई तुम्हारा करता होगा, हमारा खुदा ये काम नहीं करता। इन्होंने उल्टा हमारे अपनी बात हमारे सर थोप दी, ठीक है। ये समझ आ रही है फतावा रिज़विया के हवाले की हकीकत नींद इस ओके भाई साहब को इश्तियाक साहब बार बार उनको नॉमिनेट कर रहे थे, मैं मोहल्ले वालों को कहता हूँ हूँ समझ आई ने क्यों नहीं दस किताब दा वाला बुजुर्गो हूँ समझ आई ने क्यों नहीं किताब दसी ने रशीद साहब के जो भी हैं क्यों नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई कि पता था कि वो उधर ही पकड़ के जूतियां मारेंगे, तू कुछ और कह रहा था यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। आगे देखो इन्होंने लिखा जी कि इनके इमाम अहमद रज़ा ने लिखा कि अल्लाह ताला के साथ कोई बंदा कुश्ती करता, यही यही वाला दिया था ना कुश्ती वाला। तो सुनो इमाम अहमद रज़ा ने नहीं, किताब हज़रातुल कुद्स के अंदर बद्रुद्दीन साहब ने 1052 हिजरी में किताब लिखी है। किताब कौन सी है? हज़रातुल कुद्स 1052 में ये किताब छपी है। लिखने वाला मुजद्दद आज़म, मुजद्दद पाक का मुरीद है, वो लिख रहा है। हजरत अमीर कलाल का वाक्य लिख रहा है कि अमीर कलाल जो थे वो एक दिन कुश्ती कर रहे थे ना, वो रियाजत कर रहे थे, एक बंदा आया उसने दिल में कहा ओ यार ना सईदा दर टको ए ना कमा दर करे ना, ये तो बिद्दी काम करते हैं। क्या कहा? ये काम जो कर रहे हैं ना कुश्ती लड़ना ये बिद्दी करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो सैयद साहब है इनका काम है अंदर कर। कहते हैं उधर ही बैठा था आंख लग गई, आंख लगी तो देखते हैं कि मैशर का मैदान सजा हुआ है, तो मैं पकड़ा गया और एक मट्टी आती है उसमें धंसता जाता हूँ। इतने में अमीर कलाल है उन्होंने पकड़ा और बाहर निकाला, जब ये जागा तो फरमाया हूँ साड़ी कुश्ती तक की है। यानी उनके कहने का ये मकसद था कि हमारा ये जाहिर न देख, अंदर से हम इतनी पावर रखने वाले हैं। इस आलम आदमी ने क्या कहा? अल्लाह से कुश्ती की है, सुम्मा माज़ल्लाह, कभी जरा हिम्मत करो ना, दिखाओ ना असल किताब। लेकिन मैं दिखाता हूं हज़रातुल कुद्स सफा नंबर 161 अल्लामा बद्रुद्दीन ये बुजुर्ग गुजरे 1052 हिजरी की छपी हुई किताब है। और इसके अलावा कहा गया कि मिर्जा कादियानी का भाई मिर्जा गुलाम कादर बेग ये इमाम अहमद रज़ा का उस्ताद था। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठियां दे नहीं ना नहीं दे रहे हैं झूठियां दे नहीं नहीं हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। हम इसके अलावा भी लोगों को पता है कितना सब छोड़े, मैं हवाले देकर आवाम को खुद पता है कोई पागल बैठे हुए हैं इनको नहीं पता कि ये क्या है हकीकत। अब आपको समझ आई है ये इंतजामिया वाले नोट करें कुरैशी साहब पे क्यों पाबंदी लगा रहे थे, ये इधर की रोला नहीं ये पूरे मुल्क का रोला है। जिधर ये गड़बड़ करके आते हैं मैं पीछे उनका कच्चा छोटा खोलने के लिए जाता हूँ, कहते हैं बंद कर लो ना, पीछे ही काम बंद आ रहे हैं।
यार इस बांध से मेरी जान तो छुड़ाओ। आते आप बंद है, दुरूद बंद है, जिक्र बंद है, सब कुछ बंद बंद। यार कुछ तो करो ना यार, कुछ चीज तो कम से कम जनाब उसका आगाज कर। खैर मैं अपनी तरफ आ रहा हूँ, और ये भी मैं नहीं कहता, इन्होंने कहा, सारे लोग गवाह हैं कि दो फातिहों ने हमें बड़ा नुकसान दिए, एक फातिहा लताम ने और एक फातिहा खल्फुल इमाम ने। कहा गया था कि दिखा रहे मेरे पास है, हमें क्या किसी से पूछने की जरूरत है। जो हम खाने में फातिहा पढ़ते हैं ना, इसके बारे में काजी के ये फातिहा पढ़ के खाते हैं। मैंने कहा अल्लाह ताला कुरान में जी सूरह नाम में फरमाते हैं, वमा लकुम अल्लाह ताब, जरा थोड़ा तरन्नुम से ना पढ़ चलिए कुरान। मेरा फरमाते हैं वमा लकुम अल्लाह ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाह अलैहि वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा ऍज़्तुरिरतुम इलैह। अल्लाह कह रहे तो अनुकी हो उस खाने में तो नहीं खाते जिससे मेरा नाम लिखा गया। हमारा तुम तुम्हें क्या हुआ, अल्लाह ताकुलू तुम नहीं खाते उसमें से, मिम्मा जिसमें जिस पर जिक्र इस्मुल्लाह है, जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। तो फातिहा के वे कुरान है ना, क्या है बोलो? हाँ, तो फातिहा पढ़ने ना बरकत पहनती है। और एक कुरान मेरे पास तकरीबन इस हदीस के 70 से ज्यादा वाले हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि शैतान जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, अल्लाह का नाम लिए जाए, वो नहीं खाता। तो खादी हो सुलटी हो जाती है बादशाह, फातिहा वाला खाना जवाब मिल रहा है। सवाल किया जवाब सुन, फातिहा वाला खाना जिस पर फातिहा पढ़ी जाए, जिस पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, मेरी जान ये शैतान के रग से नीचे नहीं उतरता। ये किसने फरमाया? मिश्कात शरीफ किताब काम के अंदर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इसके अलावा इसके अबू दाऊद शरीफ के अंदर देख लो, मैंने आपको अब बताया बेशुमार मुख्तलिफ तुरक से की हदीसें, रजिस्टर मेरा भरा हुआ हवालों से। क्या कहा? जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, ये गल पक्की ज़हन में रखो, शैतान चलो जी शुक्र है ये हलवे खाते हैं। बुखारी की हदीस है मेरे आका की ज़ौजे मोहतरमा सय्यदतो ना आयशा सिद्दीका, आप फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युहिब्बुल हलवा, हुज़ूर हलवा पसंद करते थे। हमारी पसंद वो है जो नबी की पसंद है, हमारी पसंद वो है जो ये हवाला दे रहा हूं। और खुदा की कसम अगर तुम लोग इसको एक ये 100-150 रुपए की ये किताब है, अगर 150 रुपया लगा लो ना, तुम खुद ही इस काबिल हो जाओगे कि जरूरत पड़ी फकीर के पास आ जाना, नोट में मुफ्त के फोटो स्टेट करके तुम्हें दे दूंगा, सफ़े खुद लगा लेना, पढ़ने की जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ उसकी फहरिस्त को देख लेना। लेकिन जो अभी सरे 10 हवाले दे रहे, चूंकि सवाल जो हुए वो वरना मेरे को हथियार बड़े तिरखे थे, लेकिन चूंकि मैंने सिर्फ जवाब देना है। क्या कहा गया जी कि ये क्या करते हैं? ऊंचा बोलो, ये क्या करते हैं? हलवा खाते हैं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बुजुर्ग थोड़े नहीं, कसर छोड़ी कोई नहीं। ये किताब है कससुल अकाबिर थानवी साहब, लगाओ इधर लगाओ, ये क्लोज करके दिखाओ, पता चलेगा ये जैनवन किताबें हैं। थानवी साहब की किताब कससुल अकाबिर, इसका सफा नंबर 148, एक लिखते ऊपर करामत नंबर 43। फरमाया हजरत मौलाना गंगोई के दांत न थे, पर कुरान पाक पढ़ते ये मालूम ना होता था कि हजरत के दांत नहीं। आकर ये कहते हैं मैंने दरियाफ्त किया हजरत गंगोई की उम्र क्या थी, फरमाया 80 साल। एक साल में गंगोई से अर्ज किया हजरत दांत बनवा लीजिए, फरमाया क्या होगा, दांत बनवा कर फिर बोटियां चबानी पड़ेंगी, दांत न होने की वजह से लोगों को रहम आता है, नरम नरम हलवा खाने को दे देते हैं।
किसी ने पढ़ना है तो इसको पढ़ लो, पढ़ यार पढ़ ले तू, पढ़ ले कैश कर, पढ़ इसको सफा नंबर 148 लगा ना लगा, पता चले कि ये लोग पढ़ रहे हैं। और पीछे ये इज्तिमा भी दिखाओ, तो मेरा ही हो ना दिखाओ, ये सारा इज्तिमा दिखाओ, पता चले कितने लोग यहाँ आए हुए हैं। अच्छा बस तवज्जो मेरी तरफ रखें, लो जी ये क्या हुआ। इसके अलावा अल्फाजातुल यौमिया जिल्द नंबर 262 उस पर भी यही लिखा हुआ है। और इसके अलावा कासिम ननौती साहब कहते हैं कि आखिरी उम्र में बस मेरी तो गिजा यही रह गई है, नरम नरम दलिया खाता हूँ, नरम नरम हलवा खाता हूँ। बहरहाल हमें उससे गर्ज नहीं है, चूंकि तुमने एतराज किया था उसका हम लोग दे रहे हैं। अब लो सर ये मेरे पास आपके सामने किताब फतावा रशीदिया, इसका सफा नंबर है 597 और पूरे में आवाम से कहता हूं किताब मार्केट से लाओ तुम। और आजकल ये किताब लगी हुई है तालीफात रशीदिया के अंदर, किताब किस में लगी हुई है, तो उनसे वो कहोगे ना फतावा रशीदिया तो कहेंगे खत्म हो जाए, उनसे वो तालीफात रशीदिया दो लेके आओ। उसके अंदर ये वाज़े तौर पर सवाल है, हजरत जिस जगह ज़ागे मारूफा कौवा खाने को अक्सर आराम जानते हो और कौवा खाने वाले को बुरा कहते हो, तो ऐसी जगह इस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा, ना अज़ाब। कौवा खाने ले सवाब होगा या अज़ाब या कुछ नहीं होगा, जवाब सवाब होगा। लगाओ क्लोज करके यार, ये बिल्कुल क्लोज करके, अगर आपका ये कैमरा कवर कर रहा है, हो रहा है कवर, ये हो रहा है ना कवर, तो ये जवाब लिखा हुआ है सवाब होगा। जनाब मरूम क्यों है सवाब, तो ऐसे करीब ग्राउंडा में काफी सारे बैठे होंगे, मैं इतना तावन कर सकता हूँ कि जो है ना जाल खरीद के दे सकता हूँ। हम कहते हैं कि लंगर खाने में बरकत होती है, यानी जिस खाने पे अल्लाह का नाम आ जाए, फातिहा पढ़ ली जाए, उस खाने के अंदर बरकत होती है। दबा दबा के खाने हैं हम, तो पलते ही नबी के लंगर में यार। हमें ये कहते शर्माए क्यों, खाते हैं हलवा खाते हैं, हैं खाते हैं, हैं तू इधर हिंद करके आना कवा खाते हैं। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कौन अपने कितने बड़े इमाम शेखुल तुम्हारे हिंद हैं और बड़े से बड़े जनाब सब शेख कुल हैं, तुम्हारे शेख जानी हैं, वो कहते कवा खाने वाले को। हाँ सुने इतराज करने बड़े आसान सोखे, जवाब किनना बड़ा औखा, ये बड़ा औखा काम है। और अभी मैं सिर्फ बहुत सारी चीजें जो है ना वो मैं छोड़ने की नहीं, ये अगर मैंने मसाला लगाया तो ये पूरे पिंडी में नहीं ठहर सकेंगे। ये किताबें मेरे पास, ये कसस वाल काबर और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आज अपनी तरफ से कुछ नहीं, ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ शहजादे के, जरा ये लिखाओ लगाओ, शायद ये किताबों के सर्वर मुझे खोल खोल के देते हैं, मैं इनको सिर्फ कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। नजर आ रहे हैं ये आपको हवाले लगे हुए, नजर आ रहे हैं ये हवाले लगे हुए, नजर आ रहे हैं ये हवाले लगे हुए, जितनी किताबें हैं ये हवाले लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये हवाले लगे हुए नजर आ रहे हैं। जो किताब मर्जी इसको खोलो, आपको इंशाल्लाह मेरे हवाले पे हवाला नजर आएगा। ये जितनी किताबें हैं ये देखो, तीन तीन सब है, तजे मैं सारे पढ़ने शुरू किए, पीछे रहना कख कोई नहीं। इसलिए मैं सिर्फ आज क्या कर रहा हूं, ये बार बार कह रहा हूं, इंतजामिया वाले दोस्त लिखे हैं, कुरैशी साहब ने जवाब दिया है। हाँ कुरैशी साहब ने जवाब, तो जो मर्जी करो पर मैं तो जवाब दे देना है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि जब हमारी बारी है तो तुम कहो जी सीपीओ साहब आप बचाएं, क्योंकि तो सवाल ही ना करो ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा एक और सवाल किया कि अहमद रजा बरेलवी का उस्ताद कौन था, मिर्जा गुलाम कादर बे जो के गुलाम अहमद कादियानी का बड़ा भाई था। मैं क्या पढ़े सी लानतुल्लाह अलल कादियानी। अब सुनो आला हजरत के उस्ताद का नाम बेशक गुलाम कादर बेग था, पर वो मिर्जा गुलाम कादर
कादियानी का भाई नहीं था बल्कि हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम कादर वल मौलाना गुलाम हसन, वो क्या थे मौलाना गुलाम कादर और ये अल हजरत के खानदान से इनका पुराना, इनका नाम तो सॉरी वालद का नाम मिर्जा हसन जान, इनके वालद का क्या नाम था ऊंचा बोलो मिर्जा हसन जान। और गुलाम कादर बेग उसके बाप का नाम था गुलाम मुर्तजा। अच्छा अब सुनो, गुलाम कादर बेग जो आला हजरत का उस्ताद है, ये 1827 में यूपी में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, ये आलिम थे, फतावा रिजविया में बहुत सारे सवालात इनके किए हुए मौजूद हैं। अब आगे सुनो, और ये जो मिर्जा गुलाम कादर बेग हैं ये मायरे उलूमे दीनिया थे, और मिर्जा कादियानी का बेटा मिर्जा बशीर सीरत मादी के अंदर लिखता है कि कादियानी का जो भाई था ना गुलाम कादर बेग, वो थानेदार माजूर था, एक तरफ आलिम एक तरफ थानेदार, इनकी उम्र थी 90 साल, यानी जो आलिम थे, और मिर्जा कादियानी का भाई जो था वो 1872 में 55 साल की उम्र में मर गया। अच्छा इनका विसाल 1917 में हुआ, जो आला हजरत के उस्ताद हैं इनका विसाल कब हुआ 1900 किस लिखे है? ये जो जिसने तुम्हारे मिर्जा कादियानी के खिलाफ किताबें लिखी है ना अयूब ने, ये उसने सारी तफसील लिखी, पता चला। अच्छा फिर आगे मिर्जा जो आला हजरत का उस्ताद थे उनके दो बेटे थे मिर्जा अब्दुल अजीज मिर्जा अब्दुल हमीद, और इसका एक ही बेटा था जो बचपन में मर गया, यानी इसकी औलाद कोई नहीं थी, उनके दो बेटे थे। तो अब मुझे बताओ नाम तो कईयों के होते हैं, और अमेरिका ले तो पिंडी ने किसी उसामे को पकड़ के तेरा नाम सामे है, ओ भाई गल भाई बात है ना समझो कि अमरीका वाले आए क्या नाम है तेरा उसामा पकड़ो नहीं यार ओ सामा हो रे ए सामा हो रे ओ मिर्जा हो रे यही गल फिर काबले हो रे। लेकिन हुजूर जरा खुद मिर्जा बशीर जो पुत्र है किसका मिर्जा कादियानी का, वो खुद लिखता है कि मेरे अब्बे के पास आजाद साहब का भाई आया और मिर्जा कादियानी का निकाह उसने पढ़ा। और वाज़ेह तौर पर मौजूद है सफा नंबर 273, वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि हमारे मिर्जा साहब के साथ पुराने मुरासम थे, उन ताल्लुकात की बिना पर हमें बुलाया गया और निकाह पढ़ाया गया। और अब अगली बात, फिर ये कहते हैं कि एक दफा मैं मिर्जा साहब को मिलने गया, उन्होंने बड़ी बड़ी इज्जत की, मुझे आते हुए पुछते शुछते दिए, आज भी हफ्ता गुजरा है पर उनका चेहरा मेरी नजरों से नहीं जाता। पालक किस दे जे? जरा देखें ये सवालों का जवाब दिए, और मैं बहुत सारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक एक दो दो शार्ट कर चुके, टाइम मैंने बचाना है। अगला सवाल हुआ जनाब के कायदे आज़म ने कहा था कि मैं पाकिस्तान बनाकर झंडा देवबंद में लहराऊंगा, आप में से बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो दौर नहीं है कि जब मौलवी ने कह दिया तो लोगों ने हाँ कर दिया, आज हमसे ज्यादा मालूमात आप लोग रखते हैं, नेट आपके पास है, लाइब्रेरियों में आपको सहूलतें मौजूद हैं, ये फकीर तमाम लोगों के सामने चैलेंज कर रहा है कायदे आजम अलै रहमा का देवबंद में एक दिन जाना साबित कर दो कि वो कभी देवबंद मदरसे में गए हों। हजरत वाला शान मुकालमा तो सदरैन, ये मुकालमा तो सदरैन है, इसमें खुद शबीर अहमद उस्मानी कहते हैं जब मैंने पाकिस्तान बनाने की हिमायत की तो मुझे देवबंद के तलब इलमों ने गंदे टमाटर और अंडे मारे। जनाब गालियां दी नंगी गालियां शबीर उस्मानी, और हम जो बात सच्ची है उसको मानते हैं, शबीर अहमद उस्मानी साहब ही तो थे ना, हम इनकार किया नहीं किया, हम वो झूठ नहीं बोलते, वरना मैं कह देता कोई भी नहीं था तो नहीं। तो फायदे का एक मौलवी
شہید شبیر احمد عثمانی اس پاکستان بنانے کی حمایت کی وجہ سے انہوں نے اپنے جو بند سے اس کو خارج کر دیا اور اس کو گندے انڈے مارے اور ننگی گالیاں خود یہ خود کہہ رہا ہے خود کہہ رہے شبیر احمد عثمانی. یہ میرے پاس واضح طور پر یہ موجود ہے, یہ مکالمت الصدر ہے. اور پھر ضیاء اللہ شاہ صاحب جن کا حوالہ وہ دے رہے تھے بھائی, ان کا اپنا عطاء اللہ شاہ ان کا ایک اپنا اس نے زن ہے, میں رحمت اللہ علیہ کے اس جملے سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ کل ہے جمعہ جواب دینا پیسی نہیں. اس نے واضح طور پر اعلان کیا, میرے پاس خطبات احرار اور اس کی کتابیں ساری موجود ہیں, اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ الحمدللہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں. اور اس تقریر میں کہا تھا اس نے کہ اگر پاکستان بن گیا تو میری داڑھی کو پیشاب سے منڈوا دینا. اور پھر چمنستان ظفر علی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 120 ہے, اس کے اوپر لکھا تھا کہ ایک محمد علی جناح, ایک نہرو پر لاکھوں محمد علی جناح اس کی جوتی پہ قربان کرے. اور پھر یہ حضور کتاب عام مارکیٹ میں کلیات اقبال دے دیں, کلیات اقبال میں صرف عام جو ملتی ہے بازار سے مارکیٹ سے یہ مل رہی ہے. یہ کتاب کون سی ہے؟ کلیات اقبال. یہ اس کے لاسٹ پہ یہ واضح لکھا ہوئے حسین احمد یہ نظم لکھی ہے 600, صفحہ نمبر ہے 691. میرے پاس جو ہے ویسے صفحے کا گڑ اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کئی اگر کمپیوٹر کا چھاپا ہوتا ہے اس میں صفحے کم ہو جاتے ہیں, اس سے غرض نہیں ہے, لیکن یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے. یہ اس میں یہ لکھتے ہیں, عجم انوز نداند رموز دین ورنا زی دیو بند حسین احمد اینچے بول اجبیس سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر زی مقام محمد عربیس و مصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہماؤس گر بہو نرسی دی تمام بولا حبیس. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین احمد مدنی یہ ممبر پہ بیٹھ کے بندر کی طرح ناچ کر کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, کہتا ہے کہ ملت اس وطن اس کے نعرے لگاتا ہے کہ جناب سارے ہندو مسلم ہیں کل جائی رہا کہ جی اسی کلی کلی نہیں ہونے کیونکہ اندرا گاندھی کو چندا جی لینا ہے. تو اقبال اس کی مذمت میں کہتا ہے, اور آپ لوگوں نے اخبار میں جنگ کے اندر 1999 کی اخبار میرے پاس موجود ہے, انہوں نے جاوید احمد جو اس کا بیٹا ہے ڈاکٹر جاوید اقبال اس کو انہوں نے 40 لاکھ روپے کی آفر کی کہ اپنے ابے کی کتاب سے یہ نکال لے, اس کے ہمیں ہاں دنیا دار پر رامینا کہ میں اپنے ابے کی لکھی ہوئی گل نوں کڈ چھڈاں. ہاں صدرات ثبوت بولتے ہیں, یہ میں نے تو نہیں لکھی. جاؤ کتاب کلیات اقبال علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہہ رہے بتا رہے کہ یہ جو بند کا کیا کردار ہے. میں صرف حوالے کے لیے عرض کا ہے اور میں عرض کرتا چلوں چیلنج کر کے کہتا ہوں, اور میرے پاس 1999 کی روزنامہ جنگ کا فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو میرے پاس موجود ہے, اور اس دن آپ نے آج سے تقریباً 10 دن پہلے نوائے وقت میں فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو پڑھا ہوگا کہ جمعیت علماء ہند نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. آپ نے پڑھا ہے؟ اے پڑھ دیں, ابھی یہ بھی پڑھیا کرو تے نال کوئی نشان بھی لا کے رکھیا کرو. ہاں صرف ڈیزل اور پیٹرول کے حوالے سے تو نہیں خبریں پڑھا کرو نا, یہ بھی تو پڑھ لیا کرو نا. مطلب روزانہ بھائی میں بھی سوچتا ہوں, میں روزانہ سوچتا ہوں یار آج کوئی تک ذرا ڈیزل سستا ہے, ڈیزل پٹ پٹ کہندا ہے, میں کتنے ڈڈا میں جو نکل کے آیا تو سستا کہیں جو ہاں پیٹرول چیخ رہا ہے ہیں ہون کشمیر پٹ سی یار جی کوئی بندہ سمجھ جاوے تے اگے کوئی سبحان اللہ. سنو انہوں نے واضح طور پر لکھا, یہ انٹرویو میرے پاس فضل الرحمان صاحب کا موجود ہے, کہ میرے والد صاحب اور ان کے جو پیچھے تھے انہوں نے مخالفت پاکستان کی تھی, لیکن چونکہ اب بن گئے اب ہم مخالفت نہیں کر رہے. تو جن طالبانوں کی ہمیں تنقیدیں مل رہی ہیں یہ کون ہیں؟ کیا میں انتظامیہ سے پوچھتا ہوں, آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سنی کو بھی فوج سے لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی؟ اور پھر تم انہی لوگوں کو دبارتے ہو, یہ تمہاری چال ٹھیک نہیں ہے. آوے کا آوا مت بگاڑو, تمہیں تو ہم لوگوں کی سپورٹ کرنی چاہیے.
जो आज हमें धमाकों की धमकियां देते हैं, तुम उन्हीं को आकर कहते हो जी ये कर रहे हैं, तुम चुप करो। क्यों? असी मुक्के ते नहीं हां, उतना दबाओ कि जितना कोई सह सके। इसलिए ये जवाब देना हमारा फर्ज है। आइंदा के बाद मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर सवाल हुआ तो जवाब फिर दें। मैं ऐलान कर रहा हूं, सवाल तुम करोगे, जवाब हम देंगे, पहले ही ना किए और ना करेंगे, लेकिन जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इंतजामिया के दोस्त अगर चाहते कि ये मामला खत्म हो तो जरा बिस्मिल्लाह वो मंत्री लेना छोड़ो ना। मैं नहीं कहता, उन्होंने कहा कि थाना हमारी लोडी है, एजेंसियों में हमारे अपने बंदे घुसे हुए हैं, और आज अगर रिपोर्टिंग ठीक ना हुई, मैं जानता हूं यहां बहुत सारी एजेंसियां बैठी हुई हैं, मैं खुल के कहता हूं अगर आज की रिपोर्टिंग ठीक ना हुई तो ये देखना ये पूरी कैसेट और सीडी में खुद जाकर राव साहब को सुनाऊंगा कि जरा सुनो हमने पहल की है या हमने जवाब दिया है। इस हवाले से जरा और संभाल के इस काज की रिपोर्टिंग करो तुम लोग। हम बिल्कुल ये नहीं कहते तुम गलत लिखो, ठीक लिखो, और ये लिखो सवाल क्या किया था कुरैशी ने, जवाब क्या दिया, लिखो बिल्कुल बिस्मिल्लाह। और अगर याद ना हो गल्ला ते अगर सीढ़ी दे देना, असि यो देना चुप करके अंदर ना रिकॉर्डिंग ना करे खड़े जाना दे। हम तो जो कह रहे सच कह रहे, आप कह रहे किताबें उठा के लाए ताकि पता चले। तो खैर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं ऐलान दावे से कहता हूं पूरे पाकिस्तान के लोगों से मेरा ये ऐलान है, चैलेंज है, आज तक बताओ इनका कोई मौलवी कायद आजम के मजार पे जाकर उसने चादर चढ़ाई। बताओ मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, बताओ है? और फिर आप हमें कहते हैं कि अहमद रजा अंग्रेज का एजेंट था। सुने ये मेरे पास तसरत तो रशीद मौजूद है, वो पैसे का जिक्र तो तुम सुन ले ना, या मैं फिर कर दूं। ये मुकालमा तो सदर है थानवी साहब को गवर्नमेंट की तरफ से 600 रुपया माना मिलता था, डिप्टी कमिश्नर की तनख्वाह 3 रुपए थे कुछ आने सी, ते थानवी साहब 600 क्यों मिलता सी? मैं अगर इल्जाम लगाऊं तो मुझे पकड़ो, ये लो किसी ने पढ़नी है किताब आ जाओ मेरे पास पढ़ लो, खड़ा हो जाएगा रोके मुझे यकीन नहीं है जनाब आपकी इस बात पर, ये किताब मैं उसको दिखाऊंगा पढ़ो, कह ना कि मुझे नहीं यकीन। और ये तस्करत और रशीद सफर 200 और इसके अंदर भी सफर 178 पर लिखा हुआ कवा खाना लाल है, जिन नंबर एक सफर नंबर 178 कवा खाना हलाल है। तो इसी तरह ये सफा नंबर 73, सफा नंबर 75, सफा नंबर 80 तज़किरतुर रशीद, ये रशीद अहमद गंगोई साहब की ये जनाब किताब, उनके हालाते जिंदगी क्या क्या हवाले मैंने बताए बोलो बोलो ना, सफ़े तो याद करो। अच्छा ये ऊपर लिखा हुआ है इल्जाम बगावत और इसकी कैफियत, लिखते हैं शुरू है 1272 हिजरी यानी 1854 वो साल था जिसमें इमाम रब्बानी पर अपनी अंग्रेज सरकार से वादी होने का इल्जाम लगाया गया, अंग्रेज सरकार वादी होने का हकीकत नहीं सी, इल्जाम लगाया गया। और मुफ्सिदों में यानी मुजाहिद जो थे ना अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाले उनको क्या करा दिया, मुफ्सिद, मुफ्सिदों में शरीक रहने की तोहमत बांधी गई। फिर ये आगे नीचे कहते हैं उन्होंने कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी अमन आफियत का जमाना कदर की निगाह से ना देखा और अपनी रहमदिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का आलम कायम किया। और ये आगे लिखते हैं कि हाफिज जामन साहब अंग्रेज की तरफ से लड़ते हुए नाफ जनाब अंग्रेज अंग्रेज शहीद अंग्रेज साहब जरा ये गौर तो करें। और ये आगे ये लिखते हैं कि हमारे शेख जानी जब उन पे इल्जाम लगा तो उन्होंने कहा साडा बाद ही फिरका कोई नहीं कर सकना, हमें पता है ताल्लुक के पता है कि अंदर से क्या करते हैं, प्रॉम्प्टर भी खड़ा होया
मैं अर्ज करता चलूं हजरात, मेरे पास के तज़किरतुर रशीद के सिर्फ मैं आपको झलक दिखा रहा हूं। ये नजर आ रही, ये हवाले लगे हुए हैं। मैं बहुत कुछ आपके सामने रख सकता हूं, यहां पर मैं उनके वजीफे भी बता सकता हूं, और जिस गौस पाक की तू बात करता है इसी फतावा रशीदिया के अंदर भी है और तज़किरतुर रशीद के अंदर भी है। सवाल होता है हजरत साहब, क्या गौस पाक का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर हो सकता है? कहा क्यों नहीं हो सकता, तो याद तेरे बाबा जी कह रहे हैं कि उनका कदम कहा उस जमाने में था या इस जमाने में? कहा उस जमाने में भी था, इस जमाने में भी हो सकता है। तो फिर मानो ना, जिस गौस को हम मानते हैं वो बड़ी पावर वाला है, बड़ी शान वाला है। अल्लाह अकबर। आगे जनाब सवाल हुआ कि नमाज के बाद जिक्र करना इन्होंने बिदअत शुरू की है, अजान के साथ साथ दुरूद व सलाम पढ़ना इन्होंने ये शुरू की है। ये बाबा जिक्र निकाले फरीदे। मैं अर्ज करने लगा हूं हजरात, क्या कहा गया अजान के साथ? हम अजान के साथ क्या, हम तो हर जगह दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, नाथ से पहले, नाथ के बाद, तकरीर के अंदर, सल्ले इमाम सखावी, वो फरमाते हैं कि आजान के साथ सलातो सलाम ये कब से बाकायदा शुरू किया गया? वैसे तो सहाबा हर घड़ी नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा करते थे, और ये मुस्ताब काम है। अगर कोई पढ़े तो बोलो यार, तवज्जो मेरी तरफ रखें, पढ़े तो सलाम, और अगर ना पढ़े तो कोई गुनाह, लेकिन दकड़ा मुनाफिकों का काम है, क्योंकि कुरान कहता है कि मुनाफिकों की ये निशानी है कि वो नेक काम से रोकते हैं। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। अजान के साथ दुरूद व सलाम 765 में अन नुजूम ज़ाहिरा फी तारीख मकमूलू के मिस्र व कायरा, 765 में सुल्तान कलाउन के दौर में भी मुअज्जिन अजान से पहले तीन तीन बार पढ़ते थे सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब मैं हवाले अगर मैंने देने शुरू किए तो अल-कौल अल-बदी के अंदर भी है, इमाम सखावी फरमाते हैं चंगा काम है पढ़ने वाले को सवाब होएगा। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। और ख्यानत का आलम देखो, इनके आदमी ने अल-कौल अल-बदी का तर्जमा किया, फखरुद्दीन नाम का कोई है। आप हैरान होंगे कि जिस जगह सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद के सीगे थे उसको भी अजम कर गए, और जहां ये अजान का बात था वहां पर अपनी तरफ से लिख दिया कि ये काम करना बिदअत है। हालांकि अरबी के जो अल्फाज हैं उन्हें वाज़ह तौर पर इमाम सखावी कहते हैं, और जो नबी पे दुरूद व सलाम पढ़े ये कोई बुरा काम नहीं, ये अच्छा काम है। लेकिन वो कहते हैं ना कि लाख पे भारी है गवाही तेरी है। सफा नंबर 312, फतावा दारुल उलूम देवबंद, फतावा फरीदिया, ये फतावा देवबंद पाकिस्तान, इसका सफा नंबर है 312। सवाल इनसे होता है हमारी, ओए गौर से सुनो सवाल, हमारी मस्जिद के इमाम साहब सुबह के अजान से पहले बाज दफा अजान से पहले बुलंद आवाज से पढ़ते हैं अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये दो मरतबा कहकर फिर अजान देते हैं। जो लोग ये काम नहीं करते वो इसको बुरा कहते हैं, बताएं इसका क्या हुक्म है? ये दुरूद शरीफ अजान के साथ लाजमी है? जवाब देता है अजान से पहले या बाद दुरूद शरीफ कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई
اندر موجود ہے. اور اسی کے ساتھ اسی فتاوی فریدیہ کا صفحہ نمبر 348 اس کے سوال ہوا, سوال صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ جواب, نبی کریم پر صلاۃ و سلام پڑھنا عبادت ہے, خواہ اذان سے قبل ہو یا اذان کے بعد ہو, کوئی کام بھی منع نہیں ہے. کوئی کام بھی منع نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں حضرت صاحب, یہ میری کتاب نہیں, یہ تمہاری کتاب ہے, یہ تمہارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں, اور تو کتنے مفتی جم پہ ہیں, تو کدھر سے آ گیا جو فتوی لگاتا ہے کہ یہ بدعت ہے؟ اگر بدعت ہے تو بتا اپنے مولویوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو ان کتابوں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑھنا عبادت ہے. بولو پڑھنا عبادت ہے. اس لیے ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں بعد بھی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ میرے نبی کے صحابہ نے کیے. کیا بخاری شریف نہیں پڑھی؟ بندہ نیڑے بھی نہ لگے تو پھر گلا دے کرے. بخاری شریف صفحہ نمبر 116 حضرت ابن عباس سے مروی حدیث, آپ کے غلام سے مولا ابن عباس, وہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ان رفع الصوت بالذکر ان ينصرف الناس من صلاۃ المکتوبہ کان علی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ فرض باجماعت نماز پڑھنے کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا نبی کے دور میں رائج تھا. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بچپن میں نا چھوٹے تھے, فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہوتا تو مسجد نبوی میں نماز کے بعد اونچا ذکر ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا لو بھائی نماز ہو گئی ہے. تم تو عالم و اذن صرفو بذلک اذا سمعتو کما قال. اور یہ میرے پاس موجود ہے, میرے پاس یہ موجود ہے مشکا شریف, اس کا بھی باب باندھا ہے نماز کے بعد اذکار کا بیان. یا حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بلند آواز کانا یقولو بصوت اعلی لا الہ الا اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اونچی آواز سے پڑھتے تھے. اور پھر میں یہ سوال کرتا ہوں, یہ دھڑے نیڑے آ جائے بھائی قریب آ گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد, پڑھنا واجب ہے, نہیں پڑھو گے گناہگار ہو گئے. تو بتاؤ صاحب, یہ اونچی آواز میں پڑھنے سے نماز ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ اگر پنجیاں نمازاں نال نہیں ہوتی تو پھر باقیاں نال بھی نہیں ہونی چاہیے. یہی بات ہے فتاوی فریدیہ کے اندر. واضح طور پر جناب سے سوال ہوا, نماز کے بعد جو لوگ اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل جائز ہے, ثواب کا کام ہے, اس سے کون روک سکتا ہے؟ حضرات گرامی, یہ تھے سوالات اور ان کے مختصر جوابات. میں آپ اتنے بڑے اجتماع کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. تم اگر تمہارے ہمارے فلانے مدرسے سے ہم تعلق ہے تو سید حسین الدین شاہ بھی تو میرا ہی استاد ہے نا. کیا مرکز اہل سنت, اگر تو ہم اتنے طالب علم جناب روڈ بلاک کر دیں گے دھمکیاں لگاتے ہو؟ چونکہ یہ تمہیں مبارک ہو, ہم لوگ پرامن ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہیں. میں پہلے بات کر دی, میں پھر کہہ رہا ہوں, ابھی تک تو ہم چھوٹوں تک یہ بات ہے, ابھی ہم چھوٹوں تک یہ بات ہے. انتظامیہ اگر یہ چاہتی ہے کہ یہ امن قائم رہے تو ان کو چاہیے کہ وہ فریق مخالف کو لگام دیں. وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی لگام نہیں دے سکتا. اور پھر میں آپ لوگوں سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں, تو سارے لوگوں گل سے سنی, وہ کڑی والی گل جی خود سنائی انہوں نے, تو سنی سنی انہوں نے سنا دینا. یہ انہوں نے کیے کیسے میرے پاس ہوئے تھے کہ جی ایک عورت تھی تو اس کا جھگڑا ہوا. اللہ ہے نا جس کو لوگ خواہے خود ہی خواہے. ایک عورت کا جھگڑا ہوا دوسری کڑی نہ, تو اس آکے تیرے منہ کتا, اسے وہ دوسرے نے اس نے آگے سے گال دی, اس نے کہا تیرے منہ میں خنزیر, اس نے آگے سے کہا تیرے منہ میں بھابھی, اس نے کہا یار سمجھنا.
ओ महल वही गल हुई कि नहीं हुई। उसने आगे से कहा, उसने कहा कि और चल की कुत्ते और खंजीर की बात तो समझ आ रही थी, ये भाभी वाली बात समझ ली है। उसने कहा तुझे नहीं पता 100 सूर मना के एक भाभी बन जाए। ये मैं नहीं कहता, ये आप लोग खुद सुन रहे थे कैसे मेरे पास मौजूद है, रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, खुद का वाह मेरे रब्बा खुद खुआंदा है। वाह हाय हाय, ये है कमाल मेरे सच्चे मसलक का, हमें कहने की जरूरत ही नहीं। और फिर मैं ये अर्ज करता चलो, देखो जरा मुझे किताब सिराते मुस्तकीम, हमारे जो इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात इन किताबों की वजह से हैं। आओ मैं किसी के अंदर है मत कि मैं ये जो सवालात दिखा रहा हूं, ये हवाले दे रहा हूं, ये कोई आकर कहे कि हमारी किताबों में नहीं, एक एक किताब के ऊपर 70-70 हवाले दे दूंगा। यार बात क्या करते हो, वाजे तौर पर शेख सुमेद देलवी ने लिखा कि माज अल्लाह नमाज में नबी का ख्याल गधे के ख्याल से बुरा है। ये है वो किताब जो हमारे दरमियान बाएं से नजर आए, ये किताब तखवियतुल ईमान, ये देख लीजिए, ये पुराना छापा देवबंद, ये नीचे लिखा हुआ है देवबंद, ये तखवियतुल ईमान शाह इस्माइल देलवी, ये बीच में वाजे तौर पर लिखा हुआ है शाह इस्माइल देलवी, इसके अंदर लिखा कि नाउज़ बिल्ला नबी मरकर मिट्टी में मिल गया। ये इसका सफा नंबर 69 है। और इसमें सफा नंबर 68 पर लिखते हैं कि सारे इंसान आपस में भाई हैं, जो बड़ा है वो बड़ा भाई, जो छोटा है वो छोटा भाई, लिहाजा तमाम अंबिया शुहदा जितने भी हैं, इमाम शहीद इमाम जादे, ये सारे हमारे भाई हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको बढ़ाई दी, वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। और कमाल की बात, अल्लाह इनसे खुद फतवा लगवाता है। जो आदमी कह दे कि नबी हमारा बड़ा भाई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो कहते हैं वो काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। मैं फतवा नहीं लाया, और फिर इसी किताब के अंदर लिखा है माजद्दा के नबी इस तरह बड़ा है जैसे गांव का चौधरी और नंबरदार बड़ा होता है। और फिर ये इस जगह पर लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो मोहम्मद जैसे करोड़ों पैदा कर सकता है, सफा नंबर 35 है। और फिर इसी जगह लिखा है कि जितने नबी वली ये सारे अल्लाह के सामने चूड़े से ज्यादा जलील है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप बताओ इस तरह की इबारात लिखने वाले लोगों से हमारी कभी जो है ना इत्तेफाक हो सकता है? इतना कुछ तुमने लिखा, इसके बावजूद हम इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग अमन में आ रहे हो, जब इनसे कहा जाए तूने जो हमारा वादा दिया है उसको आप ऐसा करो कि उस किताब का वादा, कहते जाओ कोर्ट में चले जाओ, तकरीर तुम इतने की थी, हवाला ले कोर्ट गई, वो तो मैंने आज से 4 साल पहले कहा था कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट जाओ, खर्चा भी देसा मालूम है ना आपको, ठीक है। और ये किताब तफ़सीरुन्नास, कासिम ननोतवी साहब लिखते हैं कि नबी उम्मत में अगर अंबिया लोगों से आम लोगों से मुमताज होते हैं तो सिर्फ इलम में, अमल में कभी कभी उम्मत ही नबी के बराबर हो जाते हैं और कभी बढ़ भी जाता है। और इसी जगह ये लिख रहे हैं माद अल्लाह, ये कह रहे हैं खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। और मैं आपको बताऊं जिस वक्त तहरीके खत्म नबूवत चली थी तो सारे किधर जाके पहुंचे थे, गोरड़े के पीर, गोरड़े के पीर, ओ ताजीदारे गोरड़ा, ओ मिर्ज़े के पास बड़ी तलीम है, बड़ा इलम है, ओ मेरे पीर मेहर अली मुर्शिदे पाक की आदत मुबारक होती थी, आप थोड़ा सा कपड़ा ऊपर उठाते थे, आपने फरमाया ले आओ मिर्ज़े को, मेरे सामने आया कलमा पढ़ा के ना बैठू तो मुझे अली का पुत्र ना कहना, जिस पर ये लिखा हुआ है माजल्ला शैतान और मलकुल मौत का इलम नबी के इलम से ज्यादा है।
ये किताबें मेरे पास मौजूद हैं, ये वादे मौजूद है। ये उन लोगों की इबारत बता रहा हूं जिनके पीछे आप नमाजें पढ़ते हैं। हम समझ आई ने क्यों पाबंदियां लगा दे सर, हम समझ आई है क्यों पाबंदियां लगवा रहे थे के? ताकि हमारा बचा कच्छा कोई खोल ना दे, हमारा जनाब का दूध कोई दिखा ना दे। आप क्या समझते हो हमारे अकीदों को तुम उंगली उठाओगे तो हम चुप करेंगे? मैंने आप गवाओ कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, इतना बड़ा इज्तिमा गवाह है, मैंने किसी को गाली दी? मैंने किसी के ऊपर जो है नाम लेकर कोई दुश्नाम दराजी की है? मैंने हवाले दिए हैं, और ये हवाला देना मेरा शरी कानूनी इखलाकी हर तरह से मेरा हक है। और ये किताब, ये गुलामुल्लाह साहब का पीर मुर्शिद हुसैन अहमद हुसैन अली, ये किताब का नाम है बुलगतुल हैरान। किताब का सफा नंबर है 43। इसके ऊपर लिखा है माजल्ला सुम्मा माजल्ला सुम्मा माजल्ला, नबियों और रसूलों को और फरिश्तों को ताहूत बोलना जायज है। और कुरान में लफ्ज़ ताहूत 8 जगह आया और 8ों की 8ों जगह थानवी ने ताहूत का माना किया है, थानवी साहब ने शैतान, जिसका माना यह बना कि मलाइका और मलाइका और नबियों को शैतान के नाम जायज है। जाओ, मैंने आपको हवाला दिया किताब का, मार्केट में 100-150 रुपए की किताब मिलती, लो। ओए, किसी हल्के डॉक्टर से कभी तुमने टीका नहीं लगवाया, हल्के डॉक्टर से कभी चेकअप नहीं करवाया? अमरीके चले जाते हो यार, जान का मसला है तो जान के लिए लाखों रुपए लगा देते हो, ईमान के लिए 500-700 रुपए नहीं लगा सकते हो? इतना ओपन ऑफर कोई और करेगा? इतनी ओपन ऑफर, जाओ खुद किताबें लो। मैं ये नहीं कहता कि मैं छुपा के नहीं, किताब लो, हवाला मैं दे रहा हूं, वीडियो बन रही है, आपको सीरीज मिलेगी, ऑडियो बन रही है, पूरे मुल्क के अंदर ये चीज जा रही है। आदमी इस तरह कभी नहीं कहता, ये सच है और कह रहा हूं, ना हो वाला जो सजा चोर की वो मिली है, और अगर हो तो हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा खुदा का वास्ता, कलमा मौलवियों का नहीं पढ़ते, कलमा मदीने वाले का पढ़ते हो। कब्र में मौलवी नहीं आएगा, कब्र में मदीने वाला आएगा। कयामत को शफात ये दो नंबर मौलवी नहीं करेगा, कयामत के दिन शफात मदीने वाला करेगा। आओ, अब तुम्हारे कोर्ट में बेंच को फेंक देता हूं, तुम्हारी मर्जी है इन मलहूनों के पीछे चलो, या तुम्हारी मर्जी है मोहम्मद अरबी के आशिकों के पीछे चलो। हज़रते गिरामी, मैं आज एक और हवाला देने जा रहा हूं। पिंडी वालों, आपने और तो बहुत सारे वाले कुछ सुने थे और कुछ रहते थे, ये आज नया वाला है, फैजुल बारी अनवर शाह कश्मीरी साहब, इसका पार्ट नंबर है 3, जिल नंबर 3, ये छपी हुई है मकतबतुर रशीदिया क्वेटा, इसका पेज नंबर है 395। इसके अंदर हजरत साहब लिख रहे हैं कि माजल्ला सुम्मा माजल्ला सुम्मा माजल्ला सुम्मा माजल्ला, ये लिख रहा है कि अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला, कुरान में तहरीफ लफ्जी है, यानी कुरान के अंदर लफ्जी गलतियां मौजूद हैं। ये किताब है मेरे पास, फैजुल बारी, सफा 395। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, इतने बकवासात होने के बावजूद हम लोग कितना हाथ हल्का रखते हैं? मैंने पीछे भी कहा था, दलील का जवाब दलील से हो। क्या है अगर दलील के भाई नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा भाई कहने वाले के बारे में कहो ना कि नहीं कहो, सुनो क्यों मजे वालों, एक दिन भी कहा है कि हमने नहीं कहा? बड़ा कहते हैं तुम्हें कोई हवाले दिखाए तो तुम डरते हो, जिसके दिल में कलमे का ईमान की रोशनी हो ना वो जरूर डरता है कि ऐसे बकवास तो किसी बड़े भाई को बंदा कोई किसी अपने मौलवी के बारे में करो तो। और अब मैं आपको एक वो चीज बता रहा हूं जो आपके घरों में मौजूद है, कुरान 26वां पारा सूरह फतह आयत नंबर 2, मेरा अल्लाह फरमाता है तुझे तेरे नबी का वास्ता, इन लोगों को राय हिदायत पे गामजन कर।
ہم سب کو ہدایت کی راہ دے گا. اتنا اوپن میری جان کوئی بھی نہیں حوالے دیتا اگر سچا نہ ہو. قرآن تمہارے گھر میں ہے, میں لے کے نہیں آؤں گا. تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھو, ان کے جتنے مولویوں کے ترجمہ پڑھو, انہوں نے ترجمہ کیا, اے نبی ہم نے آپ کے اگلے گناہ بھی بخش دیے اور پچھلے گناہ بھی بخش دیے. میں باپ سے سوال کرتا ہوں, ایمان سے بتاؤ کیا نبی بھی گناہ کر سکتا ہے؟ تو جو لوگ نبی کو گناہ گار بناتے ہوئے نہیں شرماتے, وہ اور کیا کرتے ہوئے شرمائیں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں قرآن ہی پڑھنے, قرآن تو پڑھنے پر پڑھانے والے کو دیکھو کیا پڑھا رہا ہے. آشان ہو گئے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے, میرے مدینے والے کے عاشق سنیوں کے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے ترجمہ کیا, لیغفر لک اللہم و تقدم من ذنبک و ما تاخر. اس ترجمے کو پڑھو نا, اب کتنا فرق ہے. بات ہو رہی ہے اللہ کہہ رہے نبی تیرے صدقے, چونکہ یہ صدقے والے نہیں ہیں نا, یہ انگریز کی روٹیوں والے ہیں نا. کہا نبی کا صدقہ نہیں کھاتے, میں نے کہا کس کا؟ کلنٹن کا. اور یقین کریں اندرا گاندھی کی کیسٹ آپ سنیں, وہ کہتی ہے ہمارا ان علماء کے ساتھ پرانا تعلق ہے اور ہمیں ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا یہ اعلان کر رہی ہوں کہ ہمارا مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہمارا پرانا خیرخواہ ہے, اس لیے اس سارے جلسے کا خرچہ میں گورنمنٹ کی طرف سے برداشت کرتی ہوں. ایک سیکنڈ میں جملہ کر رہا ہوں. غلام قمر الدین سیالوی رہ رہا خواجہ قمر الدین سیالوی آپ کو اس وقت جب یہ جشن ہو رہا تھا کسی نے کہا حضرت ہزاروں مولوی اکٹھے ہوئے تھے, آپ نے ہاتھ مارا, ہائے افسوس ہزاروں مولویوں میں ایک آئی تھی کافرہ, کافر کی کافر ہی مڑ کے چلی تھی. ایک کافرہ عورت آئی تھی اور کسی نے اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ اس کو نبی کے ممبر پہ بٹھایا, مسجد کے اندر نبی کے ممبر پہ بٹھا کے اسے تقریر کروائی. میں سوال کرتا ہوں, کاش یہاں پر ہوتا میرا اجمیر کا خواجہ, اولیاء کاملین کے پاکیزہ دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما, ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے مشن پر وفاق کرنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں پر ندامت عطا فرما, سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, خالق کائنات اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, ملک پاکستان کی خیر فرما, اس آبادی کی خیر فرما, اس محفل پاک میں جتنے اباب تشریف فرما ہے تمام کے نیک جات و خواہشات کو پورا فرما, قرض داروں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما, بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حضور مفخر اسلام پیر سید عبدالقادر جیلانی صاحب دامت برکات اللہ علیہ کا سایہ تا دیر اہل سنت پر قائم و قائم فرما, ان کے فیضان کو عام فرما, ان کے مشن کے میں ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں پر نزول فرما, خالق کائنات اس مرکز کو ترقی عطا فرما اور اسے اہل سنت کے گڑھ بنا, اور ہم سب کو مل کر عقائد اہل سنت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو مسلک حق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, خالق کائنات کے جذبات کو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس جذبے کو اور تبدیلی عطا فرما, یہ جذبہ قائم اور دائم فرما. جتنے علماء کرام بھی اس محفل پاک میں حاضر ہیں خالق کائنات ان کے علم میں برکت عطا فرما, ان کے عمل میں برکت
برکتیں عطا فرما, ان کے اخلاص میں برکتیں عطا فرما, ہم سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پختہ نسبت عطا فرما, آقا کریم کی غلامی عطا فرما. جن احباب نے بھی اس محفل پاک کی نکات میں جس انداز میں بھی حصہ لیا, ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما, اور تصدق سے ہم سب کو دنیا و آخرت کی خیر عطا فرما. مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہی بحق کی بنی فاطمہ کے برکو لے ایمان کو نہیں خاطمہ, اگر دعوت دم رب کو نہیں بر قبول.